हाँ जी दोस्तों, अब हम यहाँ पे एक मेथड पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो वीडियो है वो इसी मेथड पे हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, इसमें हमने टोटल 3 लेक्चर लेने थे और 3 लेक्चर ही आपके पास में, अगर बेसिकली मैं कहूँ तो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टोटल कितने लेक्चर है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टोटल 3 ही लेक्चर हैं, लेकिन जो लास्ट लेक्चर था वो 3रा लेक्चर था आपके पास में, 3rd लेक्चर, लेकिन उसको मैंने नाम दिया आपके पास में लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, और लास्ट जो था वो लेक्चर नंबर आपके पास में 3 था, जो कि लास्ट लेक्चर था आपके पास में। लेकिन जब हम लेक्चर ले रहे थे तो हमको लगा कि आपके पास में जो YTM मेथड है, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका चैप्टर है, वहाँ पे IRR के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, उसके बारे में प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, 3rd लेक्चर को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं आपके पास में बेसिकली, ठीक है, 3A और 3B, ठीक है, लेक्चर नंबर 3A और 3B। तो बेसिकली 3, 3रा लेक्चर लास्ट है, लेकिन लास्ट लेक्चर को हमने 2 पार्ट में बांट दिया क्योंकि बीच में हमें एक कंसेप्ट पढ़ाना था जिसका नाम है IRR आपका है या फिर YTM, ठीक है। IRR का फुल फॉर्म होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, YTM का फुल फॉर्म होता है येल टू मैच्योरिटी मेथड। दोनों एक ही मेथड है, बस जब हम यहाँ पे बात करते हैं कंपनीज की सिक्योरिटीज़ की ओर से आपके पास में, तो आपके पास में नाम लिया जाता है YTM मेथड। कंपनी की सिक्योरिटीज़ के हिसाब से हम अगर मेथड का नाम लें तो कहता है YTM मेथड है आपके पास में। और अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड, मतलब कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम नाम यूज़ करते हैं IRR, और सिक्योरिटी का आप जब यहाँ पे बात करते हैं तो YTM मेथड हम नाम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास में ये जो वीडियो है आपके पास में, ये प्रोवाइड कर दूँ, इसके बाद वापस से आपका 3rd लेक्चर का स्टार्टिंग कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो 3rd लेक्चर आपके पास में लास्ट लेक्चर ही है, लेकिन 3rd लेक्चर को हमें हाफ हाफ बांटना पड़ा, इसलिए क्योंकि हम एक कंसेप्ट पढ़ा दे, वापस से फिर 3rd लेक्चर ही कंटिन्यू रहेगा। तो मैं तो यहाँ पे यही कहूँगा कि आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 3 ही लेक्चर है, भले ही आपके पास में वीडियोज जो है वो 4-5 हो जाए, लेकिन लेक्चर आपके पास में 3 ही है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट लेक्चर हमारे पास में जो डबल लेक्चर लेना था वो नहीं हुआ, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में 3rd लेक्चर आधा ही रहा आपके पास में लास्ट, ठीक है, जहाँ पे ये कंसेप्ट पढ़ाएंगे वापस से वो आपके पास में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो डबल लेक्चर मतलब कि 2.5-3 घंटे आपके पास में चलते हैं, लेकिन लास्ट लेक्चर इतना नहीं हुआ आपने वो देखा, ठीक है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीच में ये कंसेप्ट आपके पास में पढ़ाना था YTM मेथड। जैसे ही ये वीडियो आपके पास में कंप्लीट, वापस से वो 3rd लेक्चर रिकंटिन्यू हो जाएगा और आपके पास में चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि सर जी YTM मेथड, सबसे पहले तो फुल फॉर्म येल टू मैच्योरिटी मेथड, आपके ICA मॉड्यूल में भी ये चीज़ लिखी गई है, ठीक है। तो YTM मेथड को हम समझने जा रहे हैं। YTM मेथड क्या है? मैंने कहा कि सर वो IRR मेथड ही है। अब IRR मेथड क्या है? सर कहता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एक टॉपिक पढ़ेंगे IRR मेथड, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि यहाँ पे नाम से बोला जाता है YTM मेथड। तो सिक्योरिटीज़ वगैरह की बात करेंगे YTM मेथड आपके पास में, और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो IRR मेथड आपके पास में, ठीक है। बेसिकली दोनों एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है आपके पास में। तो कैलकुलेशन सेम है, सब कुछ सेम है, क्वेश्चन में IRR का है, YTM मेथड का है, अपने को तो एक ही तरीका ध्यान में रखना है, 3 स्टेप, बस 3 स्टेप से आपके पास में क्वेश्चन सोल्व करना है, चाहे कुछ भी लिखा है, IRR लिखा है, YTM मेथड है, ठीक है। आपके पास में क्या करना है सर? 3 स्टेप में आपको क्वेश्चन सोल्व करके आ जाना है, ठीक है जी, क्लियर आपके पास में। कहता है कि सर 3 स्टेप कौन से? तो लास्ट लेक्चर में स्टेप लिखवाए थे, हालांकि समझे नहीं थे हम, समझना है इस लेक्चर में। 3 स्टेप कौन से लिखे थे वो यहाँ पे लिख देते। कहते हैं कि सर सबसे पहला स्टेप नंबर 1 कहता है आपको 2 रेट एज्यूम करने। अब क्या सर 2 कोई भी रेट, मतलब कि मन में आया सर 50 और आपके पास में 80, तो 50 और 80 रेट आपने एज्यूम कर लिया, ऐसा है क्या? आंसर इज नो। 2 रेट एज्यूम करने के भी यहाँ पे तरीका है, ठीक है। 2 रेट कैसे एज्यूम करना है उसका भी तरीका है, वो भी पढ़ेंगे। तो 2 रेट आपके पास में तरीके से एज्यूम करने हैं, ठीक है। वो अज्यूम करने के बाद वही 2 रेट से आपको NPV निकालना है। अब क्वेश्चन ये भी आ गया कि सर NPV क्या है, ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आया कि सर 2 रेट कौन से, तो वो हम पढ़ाएंगे। सर उसके बाद कहता है NPV का मतलब क्या है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सर 1 रेट से NPV पॉजिटिव, 1 रेट से NPV नेगेटिव आना चाहिए।
तो ठीक है सर, समझ लेंगे, लेकिन अभी एनपीवी का मतलब तो समझाइए, फिर पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके पास में लास्ट थर्ड आपके पास में स्टेप आता है, फॉर्मूला स्टेप, जहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला बेसिकली याद रखना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला जैसे याद रखेंगे इन्फॉर्मेशन ऊपर से, ये दो स्टेप में से आप निकाल चुके हैं, सिंपली इन्फॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करना होता है और इसे सोल्व करके आंसर लेना होता है। तो IRR का है, YTM मेथड का है, तीन स्टेप आपको फॉलो करना है, दो रेट एज्यूम करेंगे, NPV आपके पास में निकालेंगे दो रेट से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और तीसरा स्टेप फॉर्मूला पुट करेंगे। अब एक एक करके पढ़ते हैं कि सर दो रेट कौन से एज्यूम करना है, NPV का मतलब क्या है, और फॉर्मूला में कैसे वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले देखिए स्टेप वन, जो दो रेट एज्यूम करने हैं वो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा NPV का मतलब क्या है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम NPV का मतलब समझते हैं। कहते हैं कि सर NPV का मतलब आपके पास में क्या है, कहते हैं NPV का फुल फॉर्म होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर नेट प्रेजेंट वैल्यू तो चलो ठीक है, लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट वैल्यू करके कुछ पढ़े थे हम, लास्ट लेक्चर में सर प्रेजेंट वैल्यू करके आपने कुछ पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कहते हैं सर प्रेजेंट वैल्यू आपने पढ़ाया था बॉन्ड्स, जो बॉन्ड का जो आप इलस्ट्रेशन करवाए थे, आपने तो एक एग्जांपल भी पढ़ाया था वैसे, ठीक है, तो एग्जांपल के बाद आपने इलस्ट्रेशन भी पढ़ा दिया, और प्रेजेंट वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो आपने पूरी तरीके से पढ़ाया था। कहते हैं कि सर प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट आपने पढ़ाया था, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है सर, इन शॉर्ट कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि जो फ्यूचर में आपको अमाउंट पे करनी या फिर मिलनी है उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, वो आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। जो फ्यूचर में आपको जो भी अमाउंट मिलनी है उसकी आज की वैल्यू निकालनी है बस, तो वो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगी, इस अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन ये रहा था कि सर फ्यूचर में जो अमाउंट मिलने वाली, फॉर एग्जांपल पहले साल के एंड में मुझे 5 लाख मिलने हैं या फिर पे करने हैं, ठीक है, पेमेंट की ओर से देख सकते हैं, रिसिप्ट की ओर से देख सकते हैं। तो कहते हैं कंपनी की बात होती है सिक्योरिटी की, तो सीधी सी बात है वहाँ पे तो कंपनी को पे वगैरह करना होता है, जनरली इंटरेस्ट पेमेंट डिविडेंड पेमेंट, तो पेमेंट की ओर से बोल देता हूँ। चलिए कहते हैं कि सर फर्स्ट ईयर के एंड में 1 लाख रुपये पे करने हैं, किसी चीज़ के होंगे इंटरेस्ट वगैरह के चीज़ के। सेकेंड ईयर के एंड में आपको 2 लाख पे करने हैं, तो कहते हैं कि सर फ्यूचर में 1 साल बाद आपको 1 लाख और दूसरे साल बाद एंड में आपको 2 लाख पे करने हैं, उसकी आज की वैल्यू कितनी होगी, वो प्रेजेंट वैल्यू ठीक है, लेकिन निकालते कैसे है सर, मतलब कि 1 साल बाद 1 लाख रुपये मिलने हैं तो आज की वैल्यू आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू कही जाती है, ठीक है, लेकिन 1 लाख की आज की वैल्यू कितनी, ये कैसे निकालते हैं। सर सीधी सी बात है, आपने लास्ट लेक्चर में समझाया था जिस भी अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है पहले वो देखो वो अमाउंट कौन से साल में, मतलब कि फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, ठीक है। अगर फर्स्ट ईयर के एंड में तो फर्स्ट ईयर का PV फैक्टर आपको मल्टीप्लाई करना होता है, बेसिकली PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करो उस चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। PV फैक्टर का फुल फॉर्म क्या था, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करो उस चीज़ की क्या मिल जाएगी सर, उस चीज़ की आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करो प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। ये आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था सर। सेकेंड लेक्चर आपके पास में कहता है कि फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर का PV फैक्टर यूज़ कर लो, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में करंटली उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी ये निकल के आ जाएगी। ये लास्ट लेक्चर में आपने सर पढ़ाया था आपके पास में, तो वापस से एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, इस चीज़ को वापस से एक बार पढ़ेंगे, हो सकता है आप भूल गए हो, तो वापस से क्वेश्चन के साथ ही पढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ कि आपके पास में ये अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। बेसिकली ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, कंसेप्ट है, वो आपके पास में चैप्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर है, लेकिन मैं यहीं पर पढ़ा दूंगा, फिर वहाँ पर जब हम चैप्टर पढ़ेंगे वो, तो वहाँ पर मैं तुम्हें ये बोल दूंगा कि आपके पास में सेपरेट वीडियो प्रोवाइडेड है, तो वो आप देख लेंगे, जो ये आपके पास में वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो आप वापस से अगर देखना चाहे तो तब देख लेना, अगर याद है तो फिर वो आपके पास में चैप्टर कंटिन्यू कर देना, ठीक है। इसलिए मैं सेपरेट प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके पास में, क्योंकि वहाँ पर IRR और नेट प्रेजेंट वैल्यू ये दोनों कंसेप्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन में रिपीट होने वाले हैं, तो वहाँ पे जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी रिकमेंड कर दूंगा कि यही वीडियो वापस से देख लो अगर कंसेप्ट याद नहीं है तो, ठीक है। नहीं याद होने का कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे रूल हो सकता है, क्योंकि याद होना ही चाहिए, क्योंकि मैं जैसे कह सका हूँ आपके पास में वीडियो प्रोवाइड किया था कि रिवीजन आपके पास में किस तरीके से करना है, अगर उस पैटर्न के हिसाब से रिवीजन कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो जब चैप्टर करेंगे
तब आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR का कंसेप्ट याद नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता ही नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से यहाँ पे पढ़ लीजिए, रिवीजन अच्छे से करिएगा, जब हम चैप्टर वो पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट एज इट इज़ याद होने चाहिए आपके पास में। ठीक है सर, कहते हैं कि सर जी नेट आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू, तो चलो ठीक है वो पढ़ाएंगे आप, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट अच्छे से याद है, क्वेश्चन के साथ कर चुके हैं, वापस से अभी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे अपने को याद है कि सर किसी भी अमाउंट को उसके PV फैक्टर से, ये अमाउंट कौन सा सर फ्यूचर में पे होने वाला है या फिर आपके पास में रिसिप्ट होने वाला है, मतलब कि फ्यूचर अमाउंट है जिसको अगर PV फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो उसकी आज की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास में। ठीक है सर, ये चीज़ क्लियर है आपके पास में, एकदम क्लियर है सर। कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू समझाइए सर, नेट प्रेजेंट वैल्यू समझाइए, नेट प्रेजेंट वैल्यू में कोई चीज़ नहीं है, यही चीज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू है। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर, यही चीज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब कहता है कि क्या सर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है तो क्या इसका मतलब ही प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू ऐसा है क्या? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि किसी भी अमाउंट को PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करो और उस अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ, इसका कॉन्सेप्ट का नाम होता है प्रेजेंट वैल्यू। जब हम बात करते हैं सर नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो अमाउंट के दो बाइफरकेशन कर देते हैं, इसमें से आउटफ्लो कितना है और इनफ्लो कितना है, और उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके आउटफ्लो माइनस आपके पास में इनफ्लो कर देते हैं, और आपके पास में देखा जाता है प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। ठीक है, ये प्रॉफिट और लॉस को कह दिया जाता है कि सर नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ये प्रॉफिट और लॉस को कह दिया जाता है सर नेट प्रेजेंट वैल्यू है। सर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, एकदम से क्लियर नहीं है आपके पास में सर, एकदम से क्लियर नहीं है। तो अगर क्वेश्चन के साथ अगर आप समझाए सर, तो हो सकता है कि हमारे पास में एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए यहाँ पे। कहते हैं कि सर एग्जाम्पल आपके पास में लेंगे हम, एग्जाम्पल आपके पास में लेंगे और एग्जाम्पल से ये चीज़ आपके पास में क्लियर करेंगे। कहते हैं एग्जाम्पल आपके पास में, ये चीज़ क्या लिखनी, आंसर इज नो, ये आपके पास में मैंने रफ पेज लिया है, जो चीज़ लिखवानी वो समरी नोट्स में लिखवा दूंगा, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ लिखनी है, ये चीज़ आपको समझनी है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू वगैरह का कंसेप्ट लिखना है, लेकिन बाद में बताऊंगा क्या चीज़ लिखनी है। ठीक है, फिलहाल के लिए सिर्फ समझना है आपके पास में। कहता है एग्जाम्पल आपके पास में, कहते हैं सर जी एग्जाम्पल आपके पास में क्या चीज़ है आपके पास। कहते हैं सर जी एग्जाम्पल मैं दूँ, उससे पहले अगर मैं आपके पास में रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके फादर आपके पास में नज़दीक है, ठीक है, मतलब कि आपके फादर या फिर मदर कोई भी आपके पास में नज़दीक में, ध्यान रहे सर वो जो आपके पास में वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बिजनेस में कहीं पे भी है, मतलब कि बिजनेस या फिर जॉब वगैरह कर रहे हैं, प्रोफेशनल है कोई भी है, ठीक है, मतलब कि वर्क कर रहे हैं आपके पास में, तो उन्हें बुलाइए। ठीक है, अगर आपके पास में मदर वर्क कर रहे, जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे किसी भी चीज़, तो उनको भी आपके पास में बुला सकते हैं, या मतलब कि आपके ये फ़ोन जो है वो वहाँ पे लेके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सुन रहे हैं तो बेहतर रहेगा, 2-3 मिनट ही लगेगी। ठीक है, ये जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ वो आपके फादर सुने तो आपको ज़्यादा और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सर आपके फादर या फिर मदर के होने का ज़रूरी यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, वैसे तो मैंने कहा था सर ये जो बैच है इसमें हम यहाँ पे इररेलीवेंट चीज़ें जो आपके पास में नॉलेज बेसिकली होता है, इररेलीवेंट मतलब कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो रेलिवेंट सारे नॉलेज होते हैं प्रैक्टिकल, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही हम ये बैच चला रहे हैं, तो वहाँ पे जितना रेलिवेंट चीज़ें हैं वही डिस्कस करते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि सर थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको ज़रूर पड़ेगी, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ की, और ये चीज़ के लिए आपके पास में फादर और मदर कोई भी आपके पास में है बड़े, ठीक है, या फिर ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं बड़े जो बिजनेस में है जॉब में है, तो उनको भी आप साइड में लेके बैठिए, ठीक है, तो बाजू में रखिए मोबाइल और आप वहाँ पे बैठिए थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट की ही ज़रूरत पड़ेगी उनकी, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा आपको नॉलेज दे पाए। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी आप वीडियो को स्टॉप करिए और वहाँ पे जाके बैठ जाइए, बैठना है सिर्फ और सिर्फ, और कहना है कि सर 2-3 मिनट आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपके फादर या फिर मदर कोई भी है उनको कहिए कि 2-3 मिनट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक सिंपली एक छोटा सा आंसर देना है बस। ठीक है, इससे आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जैसे ही वो आंसर देंगे, ठीक है, जैसे ही वो आंसर देंगे उसकी एक्सप्लेनेशन वही आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको जो है वो चीज़ समझ में आएगी, तो मैं रिक्वेस्ट हर एक स्टूडेंट से करूँगा कि आपको सिंपली वहाँ पे जाके बैठ जाना है, बाजू में फादर है मदर है जहाँ पे अपना वर्क कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, करने दीजिए, आपको सिंपली साइड में बैठना है, कहना है कि सर 2 मिनट आपको सिंपली सुनना है,
ठीक है, फादर मदर जो भी आपके पास में कहना है कि सर आपके पास में दो मिनट सिर्फ सुनना है ये चीज़ को, एग्जांपल जो मैं देने जा रहा हूँ इसका आंसर आपको देना है बस। उसके बाद तो वापस आ जाइएगा कहीं पे भी आप, जहाँ कहीं भी बैठे वापस वहाँ पे जाके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ी सी 2-3 मिनट जो लगेगी वो क्वेश्चन अच्छे से सुन ले और उसका आंसर दे दे, बस इतना ही पर्पज़ है आपके पास में, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन ऑटोमेटिकली वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, जो आपके लिए प्रैक्टिकली आपके पास में इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फादर और मदर के पास चले गए होंगे मैं आशा करता हूँ, और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके पास में देने जा रहा हूँ। कहते हैं कि सर जी एक हमारे पास में आपके पास में ये घर आपका है, ठीक है, आपका ये घर है, और आपके घर पे एक पर्सन आया, जो पर्सन इस तरीके का दिख रहा है आपके पास में देख रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन दिख रहा है। तो ये पर्सन जो है वो आपके घर पे आए हैं, आपके फादर है मदर है घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पर्सन आए, ठीक है, एक बैग लगा हुआ था इनके शोल्डर से, ठीक है, एक बैग था छोटा सा एकदम, और बोले कि आपके फादर है, आपने कहा हाँ फादर है, फादर आए और इन्होंने बिठाया आपके पास में, ठीक है। तो कहते हैं कि सर ये पर्सन जो है वो एक एजेंट है जो इन्वेस्टमेंट की स्कीम आपको दिखाता है और आपको कहते हैं कि सर इन्वेस्ट करना है कि नहीं, बेसिकली ये एजेंट था। तो ठीक है, हमने बिठाया, आपने बिठाया बेसिकली, और पूरी के पूरी आपके फादर ने मदर ने यह स्कीम सुनी। इनकी स्कीम कुछ इस तरीके से थी, कहते हैं कि सर आज आप, आज का मतलब होता है ईयर ज़ीरो, आज का मतलब होता है ईयर ज़ीरो, ध्यान रखिए सर, आज का मतलब होता है ईयर ज़ीरो आपके पास में FM के अंदर, आज का मतलब ईयर ज़ीरो, मतलब कि यहाँ पे कोई टाइम गया नहीं, आज एकदम प्रेजेंट वैल्यू है आपके पास में, प्रेजेंट पे ये सारी की सारी चीज़ें, तो यहाँ पे कहा जाता है ये आज का मतलब क्या है सर, ईयर ज़ीरो। कहते हैं कि स्कीम ऐसी है कि आज आप एक काम करिए, 1,00,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करना है, वो कोई स्कीम लेके आया, ठीक है, उसमें आपको 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, आपके फादर को ये बता रहा है 1,00,000 आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। कहते हैं कि सर आपको 1,00,000 इन्वेस्ट करने पे, कहते हैं ईयर वन के एंड में, जैसे ही ये 1 साल ख़त्म होगा ईयर वन के एंड में, ठीक है, 1 साल जैसे ही ख़त्म होगा वो आपको 50,000 रुपये देंगे, ठीक है, 50,000 रुपये देंगे, और जैसे ही दूसरा साल ख़त्म होता है ईयर टू के एंड में वो 50,000 आपको देंगे, और फिर जैसे ईयर टू ख़त्म होता है आपके पास में 50-50 दो साल में मिल गए, 1,00,000 रुपये मिल गए, कहते हैं कि एक्स्ट्रा आपको 200 रुपये देंगे। अब आपके फादर यहाँ पे सुन रहे होंगे ये एग्जांपल, आपके फादर मदर कोई भी है, ब्रदर सिस्टर, यहाँ पे क्या ये स्कीम सही है उनसे पूछिए, मतलब कि 1,00,000 रुपये लिए थे, 1,00,000 रुपये वापस कर रहे हैं, सामने ऊपर से आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके नॉलेज के हिसाब से होगा, मतलब आप स्टूडेंट के नॉलेज के हिसाब से आप कहेंगे कि सर बेहतरीन तरीका है, एकदम बेहतरीन आपके पास में स्कीम है, तो आपके नॉलेज के हिसाब से कहते हैं कि सर बेहतरीन नॉलेज है आपके पास में, एकदम बेहतरीन एकदम स्कीम है, क्योंकि सीधी सी बात है 1,00,000 रुपये लेके गएंगे, ठीक है, 1,00,000 रुपये ये पर्सन जो है वो लेके जाएगा, इन्वेस्ट करना है बेसिकली इनमें, और आपको पहले साल में 50 और 50, तो 1,00,000 तो आपने जो इन्वेस्ट करे तो वो तो मिल ही गए बेसिकली, और 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे, तो क्या ही गलत है, एकदम बढ़िया स्कीम है आपके नॉलेज के हिसाब से। लेकिन मैं कहूँ कि आपके फादर ब्रदर सिस्टर मदर जो भी आपके पास में है, ठीक है, उनका आंसर रहेगा कि ये स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न वही आपको बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही आपको रीज़न बता देंगे, लेकिन यहाँ पे फिर भी एक छोटे से तरीके से आपको रीज़न बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं वापस से आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपने अपना आंसर तो ले ही लिया होगा, ठीक है, इसका जो आंसर है वो नो होगा, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, और आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों सर, क्यों नो, क्योंकि इसका कारण यहाँ पे क्या है वो समझेंगे, लेकिन आपके हिसाब से तो यस होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि 50-50 मिल रहे, 1,00,000 तो अपना रिकवर हो गया, और 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे, तो 200 रुपये का तो फ़ायदा है, तो आपके हिसाब से तो ये स्कीम सही रहेगी, लेकिन फिर भी आंसर नो क्यों, ठीक है। इसे समझने के लिए यहाँ पे भी मैं बताता हूँ एक एग्जांपल, ठीक है, वैसे तो आप इसका आंसर जो है अपने फादर मदर से ही समझ लेंगे, ठीक है, वहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे एग्जांपल समझेंगे। तो सबसे पहले आप एक्सप्लेनेशन अपने फादर मदर से समझ सकते हैं, वो समझ लिया, ठीक है, तो उसके बाद आप ये जो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने जा रहा हूँ ये समझिएगा, ठीक है। कहते हैं कि आपके पास में एग्जांपल
इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल, ठीक है, कहते हैं एग्जांपल में अगर बताऊं तो कहते हैं कि आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 20 साल की गैप की यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है, 20 साल पहले की, तो 20 साल का गैप है यहाँ पे। कहते हैं आज हम यहाँ पे हैं, चलिए ठीक है, आज हम यहाँ पे हैं, और कहते हैं कि पार्ले जी बिस्किट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, पार्ले जी बिस्किट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं कहूँ सर आज से 20 साल पहले, ठीक है, जब हम पार्ले जी बिस्किट परचेस करते थे तो 5 रुपये का आता था पार्ले जी बिस्किट, ठीक है, और पार्ले जी बिस्किट 5 रुपये में कुछ इतना आता था, ये इतना बड़ा पैकेट आपके पास में, ठीक है, आज से 20 साल पहले पार्ले जी बिस्किट कुछ इतना बड़ा पैकेट आता था, जो आज मतलब कि 20 साल बाद वही 5 रुपये में बिस्किट तो मिल ही रहा है, लेकिन कहता है कि सर 5 रुपये में बिस्किट का पैकेट इतना मिल रहा है, आज इतना मिल रहा है, तो कहते हैं कि सर अल्टीमेटली क्वांटिटी कम हो गई है। अगर मैं ये कहूँ सर, इन डेप्थ में ये कहूँ कि सर बिस्किट जो है उसे छोटा कर दिया गया है, मतलब कि यही आपको क्वांटिटी आज परचेस करनी है, मतलब कि यही क्वांटिटी आपके पास में, ये जो इतना बड़ा पैकेट है जो 20 साल पहले आप 5 रुपये में परचेस किया करते थे, ठीक है, यही क्वांटिटी अगर मुझे आज परचेस करनी है, यही क्वांटिटी मुझे आज परचेस करनी है, तो कहते हैं कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा 20 रुपये का, आज 20 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं सर ये कहूँ कि 20 साल पहले जो 5 रुपये में मिला करता था, आज वही चीज़ के लिए मुझे 20 रुपये पे करने पड़े हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अमाउंट जो आपके रुपीज़ है, रुपीज़ की वैल्यू कम होती जाती है जैसे जैसे आपके पास में टाइम पीरियड चलते जाता है, रुपीज़ की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। वैल्यू कम होने का मतलब है किसी भी चीज़ के लिए जैसे जैसे वक्त जाएगा उसी चीज़ के लिए आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, वैल्यू कम होने का मतलब है ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि सर 20 साल पहले 5 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती थी, लेकिन आज ही वही चीज़ों के प्राइस अगर देखें तो आपको 5 रुपये से ज़्यादा कहीं ना कहीं, एक मैंने एग्जांपल दिया वहाँ पे 20 रुपये आपको पे करने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि आपके पास में रुपीस की जो वैल्यू है वो कम होती है, ठीक है, तो 20 साल में रुपीस की वैल्यू कम हो गई और आपको वही चीज़ के लिए 20 रुपये पे करने पड़े जहाँ पे आप 5 रुपये पे करा करते थे। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे वक्त चलता जाता है वो 5 रुपये 20 रुपये बन गए आज के, ठीक है, वो 5 रुपये जो पहले के 5 रुपये थे आज के 20 रुपये के इक्वल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ के लिए आपको वैल्यू ज़्यादा पे करनी पड़ी क्योंकि बिकॉज ऑफ उस चीज़ की आपके पास में रुपीज़ की वैल्यू कम हो रही है, रुपीज़ की वैल्यू कम हो रही है इसलिए आपको जो है पेमेंट ज़्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये नॉर्मली देखते रहते हैं अपने हाउस जो है उसकी वैल्यू में, कोई लैंड परचेस कर रखे तो उसकी वैल्यू में, कि आज से 10 साल पहले लैंड हमने 2 लाख में परचेस करी थी जिसकी आज की वैल्यू 10-15 लाख रुपए है, तो ये चीज़ वही है कंसेप्ट आपके पास में। मैं बता दूं सर कि अगर आपके पास में, यहाँ पे मैं ये चीज़ कहूँ कि सर आपके पास में आगे, आज हम यहाँ पे, ठीक है, ये आज है, तो ये आज का मतलब सर क्या होता है, ईयर ज़ीरो, अभी बताइए, ये ईयर ज़ीरो है, ठीक है सर, ये आपके पास में ईयर ज़ीरो है, ओके, ईयर ज़ीरो की बात मैं कर रहा था आज, ठीक है, आज मैंने देखा कि सर वही बिस्किट के लिए जो 20 रुपये पे कर रहे हम, आज से 20 साल पहले तो हम 5 रुपये पे कर रहे थे, ठीक है सर, मैंने यहाँ पे मान लिया कि ठीक है सर वैल्यू कम हो रही होगी। मैंने कहा सर फ्यूचर में भी तो फिर ऐसा ही होगा, अगर मैं कहूँ कि आज से 20 साल बाद, मतलब या 10 साल बाद एग्जांपल देता हूँ, चलिए 10 साल बाद, 10 साल बाद आपके पास में मैं कहूँ यही बिस्किट की क्वांटिटी के लिए जहाँ पे मैं 20 रुपये पे कर रहा हूँ, ठीक है, यही बिस्किट की क्वांटिटी के लिए, ये जो जिसके लिए आप 20 रुपये पे कर रहे हैं आपके पास में, ठीक है, जिसके लिए आप 20 रुपये पे कर रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में आपके लिए यहाँ पे और ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, ये तो आपको समझ में आता है सर, 20 रुपये से तो ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, 20 रुपये से तो ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आई कि जैसे जैसे वक्त निकलता जाता है रुपीज़ की वैल्यू कम होती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, बेसिकली महंगाई बढ़ती जाएगी, आपको वही चीज़ के लिए पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो जो आज 20 रुपये में मिल रही है फ्यूचर में आपको उससे ज़्यादा ही पेमेंट करना पड़ेगा। कहते हैं कि सर जी चलो वो तो ठीक है कि ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन कितना सर, कितना, ठीक है, कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ये अमाउंट निकालना है, ठीक है, ये अमाउंट निकालना है सर,
ओके, ये अमाउंट निकालना है तो कहते हैं इसके लिए भी एक आपके पास में कंसेप्ट होता है, ठीक है। और फिर अमाउंट निकालने के बाद, अमाउंट निकालने के बाद फ्यूचर में कितना पे करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल हमने निकाल लिया, फॉर एग्जांपल निकाल कैसे निकालते हैं वो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा कौन कौन से कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया कंसेप्ट और हमें पता चला कि सर फ्यूचर में 10 साल बाद आपको इसी चीज़ के लिए 35 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई होता है, वो कंसेप्ट अप्लाई करके आपको ये अमाउंट निकल जाता है, ये अमाउंट आपने फॉर एग्जांपल निकाल लिया 35 रुपीज़। कहते हैं कि सर यही बिस्किट का पैकेट 10 साल बाद 35 रुपये में आपको पे करके लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सर ये देखिए कि वही चीज़ के लिए जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा है आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है क्योंकि वैल्यू कम हो रही है रुपीज़ की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। और कहते हैं कि सर जी इस 35 रुपये की आज की वैल्यू, 10 साल बाद 35 पे करना, उसकी आज की वैल्यू कितनी है सर? 20 रुपये। सीधी सी बात है, ये तो चीज़ क्लियर है सर। आज के 20 रुपये मतलब कि फ्यूचर के 35 रुपये, ये तो एकदम से क्लियर हो रहा है सर, एकदम से क्लियर हो रहा है, ठीक है सर, एकदम से आपके पास में क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे मैं कंसेप्ट की बात करूँ, देखिए जब आप बात करते हैं कि फ्यूचर में 35 रुपये का ये चीज़ मिलने वाला है, उसकी आज की वैल्यू कितनी, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 20 रुपये, फ्यूचर के 10 साल बाद के, बेसिकली फ्यूचर के 10 साल बाद के आपके पास में 35 रुपये की आज की वैल्यू 20 रुपये, मतलब कि फ्यूचर में जो 35 रुपये में मिलने वाला है वो आज आपको कितने में मिल रहा है सर? 20 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि फ्यूचर में आपको ज़्यादा पेमेंट करने पड़ेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह आपके पास में देखने को मिलता है और उसी की वजह से रुपीज़ की वैल्यू कम होती जाती है, तो दिन प्रतिदिन आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो कहते हैं कि सर फ्यूचर का 35 रुपये आज का कितना है? 20, ठीक है। फ्यूचर 10 साल बाद का 35 रुपीज़ आज का कितना है सर? 20 रुपये। तो आपके पास में बिल्कुल यही एग्जांपल में भी ऐसी कुछ चीज़ है, देखिए कहते हैं कि सर फर्स्ट ईयर के एंड में 50,000 मिलेगा, सेकंड ईयर के एंड में 50,000 मिलेगा, ठीक है। आपने तो डायरेक्ट कंपेरिजन कर दिया कि सर 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, 50-50 मिल गया, एक ख़त्म हो गया, आपके पास में फ़ायदा है 200 रुपये का, ये आपने कह दिया। आपके फादर मदर ने क्यों मना किया इसका मतलब यहाँ पे समझिए, कहते हैं कि सर जी फ्यूचर में 50,000 मिलने वाले आज मिलने वाले नहीं है, 1 साल बाद 50 और 2 साल बाद आपके पास में 50, ठीक है। तो फ्यूचर में मिलने वाले, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 1 साल बाद जो 50 मिलने वाले क्या उसकी वैल्यू आज भी 50 होगी, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो आपके पास में सेकेंड ईयर के एंड में जो 50 मिलने वाले क्या आज उसकी वैल्यू जो है 50 होगी? आंसर इज नो। आपने अभी अभी देखा कि सर फ्यूचर का जो 35 रुपये हमने जो एग्जांपल लिया उसकी आज की वैल्यू कितनी है सर? 20, ठीक है। क्योंकि आज वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, फ्यूचर में तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो वो जो फ्यूचर में 50 दे रहा है उसकी आज की वैल्यू 50 नहीं है सर, उससे कम है, ठीक है। क्योंकि आज जितनी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू जो है रुपीज़ की वैल्यू कम होने के कारण ज़्यादा पेमेंट आपको करना पड़ता है। तो ये 50,000 हो सकता है आज के 45,000 हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है, कि आज की वैल्यू कितनी है, उसका मतलब क्या है सर प्रेजेंट वैल्यू। कहते हैं 50,000 तो फ्यूचर में देने वाले, आज तो उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है, आज उसकी वैल्यू कम होगी। तो बेसिकली आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि सर फ्यूचर में जो वैल्यू आपको पेमेंट करी जा रही है, 35 रुपया मान लीजिए, मैं इसी एग्जांपल को बिस्किट की जगह मैं कहता हूँ कि सर आज मुझे 20 रुपये दे दो, 10 साल बाद 35 दे दूंगा, ठीक है, तो ये सही वैल्यू है आपके पास में। लेकिन मैं ये कहूँ सर आज 20 रुपये दे दो, 10 साल बाद आपको 22 रुपये दे दूंगा, तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है कि सर फ्यूचर का 22 रुपये आज का कितना होगा, क्या 20 हो रहा है, ठीक है, कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये चीज़ देखनी पड़ती है। क्योंकि 10 साल बाद जो 22 रुपये है वो आज के 22 रुपये के इक्वल नहीं है, ठीक है, आज के उससे कम होंगे वैल्यू। फ्यूचर के जो 35 रुपये है वो आज के 35 रुपये के इक्वल नहीं है सर, वो आज के 20 रुपये है, ठीक है। 10 साल बाद के जो 35 रुपये हैं वो आज के कितने हैं सर? 20 रुपये हैं। तो कंसेप्ट आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट करना पड़ता है, उसके लिए दो कंसेप्ट होते हैं आपके पास में, फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट और प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट, ठीक है। दोनों कंसेप्ट आप फाउंडेशन लेवल पे पढ़ के आते हैं, जो चैप्टर नाम है आपके पास में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जहाँ पे ये दोनों कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू आपके पास में पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, इसलिए फ्यूचर वैल्यू नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बेसिकली यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है बेसिकली, लेकिन फ्यूचर वैल्यू का मतलब ज़रूर बताएंगे और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ज़रूर बताएंगे। कहते हैं दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है आपके पास में,
अगर मैं कहूँ कि ये 20 रुपये मुझे नहीं पता, ठीक है, कोई आया मेरे पास कहता है कि सर जी मुझे आज 20 रुपये दे दो, फ्यूचर में मैं आपको जो है 35 रुपये दूंगा, ठीक है, कहते हैं कि आज मुझे 20 रुपये दे दो, फ्यूचर में मैं 35 रुपये दे दूंगा, कहते हैं कि सर जी फ्यूचर में 35 दोगे वो तो चलो ठीक है, लेकिन क्या फ्यूचर का 35 आज का 20 रुपये है या फिर नहीं वो जानना है। मतलब कि फ्यूचर की वैल्यू को सर 35 रुपये यहाँ पे देखते रहिए, फ्यूचर की वैल्यू को उसकी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है ताकि हम देख पाए कि सर क्या 20 रुपये के हिसाब से फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, क्या ये 35 फ्यूचर के जिसकी बात कर रहा, ठीक है, ये आज के 20 रुपये के इक्वल या फिर उससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा है तो बेनिफिट है, उससे कम नहीं होना चाहिए सर। मतलब कि फ्यूचर में जो 35 मिलने वाला है आज के 19 इक्वल है तो आपको लॉस हो रहा है 1 रुपये का, क्योंकि आप आज 20 रुपये दे रहे, फ्यूचर में इस 20 रुपये की वैल्यू कितनी है सर, हो सकता है 37 हो आपके पास में, 39 हो, ठीक है, और वो कितना दे रहा है 35, कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है सर, ठीक है। तो एक कंसेप्ट आया कि आप एक काम करिए, आपको वो कह रहा है ना कि सर आज 20 रुपये दीजिए फ्यूचर में 35 दूंगा, आप एक काम करिए इस 35 को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आइए और फिर कंपैरिजन करिए क्या फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। कहते हैं कि फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट पे लेके आइए, इसको कंसेप्ट को, ये कंसेप्ट को कहा जाता है प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट, ये कंसेप्ट को कहा जाता है प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट। क्या कहा मैंने सर, फ्यूचर की कोई अमाउंट आपको मिलने वाली या फिर पे करने वाले आप जो भी चीज़ है, पेमेंट रिसीव जो भी है, कहते हैं उस वैल्यू को आज प्रेजेंट में कितनी है वो आप कन्वर्ट करना चाहते हो, फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, उस कंसेप्ट को कहा जाता है कि सर प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट है। और वहीं पे अगर मैं ये कहूँ सर कि आज कोई हमें 20 रुपये दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, आज कोई हमें 20 रुपये दे रहे हैं, कहता है वो आपको 10 साल बाद 40 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे एज अ लोन वगैरह दे रहा होगा, कोई भी चीज़ होगी, ठीक है, आज आपको 20 रुपये दे रहा है एज अ लोन, और वो कह रहा है कि सर 10 साल बाद आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन 20 रुपये नहीं 40 रुपये मैं लूँगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्या अप्लाई करना है सर, कहता है कि सर आज के 20 रुपये मतलब कि फ्यूचर के कितने ये चेक करना पड़ेगा सर, ठीक है, क्योंकि जो 20 रुपये आपको दे रहा है वो कह रहा है कि सर 10 साल बाद मैं तो 40 रुपये लूँगा, ठीक है, 10 साल बाद मैं तो 40 रुपये लूँगा। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा सर कि आज के 20 रुपये 10 साल बाद के कितने होंगे, वो चेक करना पड़ेगा और फिर हमें कंपैरिजन करनी पड़ेगी कि क्या 40 रुपये पे करना सही है या फिर नहीं, ठीक है। इसके लिए कंसेप्ट होता है फ्यूचर वैल्यू। तो अच्छे से सुनिएगा, आज की वैल्यू को फ्यूचर में लेके जा रहे हो, तो यह फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट है, और फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट में लेके आ रहे हो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट। हमें ये प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट पढ़ना है, फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट हमारे पास में नहीं है यहाँ पे पढ़ने को, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है सर, प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट पढ़ना है, फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो आपके वैसे भी आप फाउंडेशन लेवल पे तो पढ़ के ही आ रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों कंसेप्ट, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट आपके पास में पढ़ना है, जहाँ पे कहा जाता है कि सर फ्यूचर में इतना इतना अमाउंट मिलेगा या फिर पे करना पड़ेगा, जो भी हो, पेमेंट का केस हो सकता है, रिसीव का कैसे हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कहते हैं कि फ्यूचर में इतना इतना मिलेगा, आपको सिंपली क्या करना है उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके आपको देखना पड़ेगा कि सर फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है। तो वापस से इस एग्जांपल में आ जाते हैं सर, कहते हैं कि सर फ्यूचर में 1 साल बाद 50 मिलने वाले, ईयर 2 में आपको जो है 50 मिलने वाले, ठीक है, ईयर 2 में तो बेसिकली 50 नहीं, 50,000 और 200 एक्स्ट्रा मिलने वाले, तो 50,200 आपको मिलने वाले। आपका क्वेश्चन वही था कि सर यहाँ पे आपके पास में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए आपके पास में। तो आपने तो सीधे सीधे जो कैलकुलेशन की वो कि आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए और आपके पास में 1 लाख तो वापस मिल रहे, 200 एक्स्ट्रा मिल रहे, 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ये कंसेप्ट को मैं गलत कह रहा था। इस हिसाब से आप जो है अपना डिसीजन गलत ले रहे, आप ये देख रहे हैं कि सर 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे तो एकदम से बढ़िया बेनिफिट है, वो आपके पास में गलत है। हालांकि आपके फादर मदर जो भी आपने जिनसे भी ये क्वेश्चन दिखाया उन्होंने आंसर नो कहा होगा, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसका कारण क्या रहता है, इसका कारण ये रहता है कि अभी अभी मैंने कहा कि आज के 1 लाख फ्यूचर के हो सकते 2 लाख आपके पास में, ठीक है, फ्यूचर के 2 लाख के इक्वल हो सकते हैं, तो आपके पास में ये चीज़ का कंसेप्ट होता है। तो यहीं पे अगर मैं इस चीज़ को समझाना चाहूँ तो यहाँ पे आपके पास में एक प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट अप्लाई करना होता है, क्योंकि फ्यूचर में आपको कोई चीज़ मिलने वाली है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा नहीं कहना है कि सर 1 लाख कवर हो जाता है, 200 रुपये का फ़ायदा है, कर दो इन्वेस्ट।
आपको क्या करना पड़ता है सर, फ्यूचर में अमाउंट मिलने वाली है, ध्यान से थोड़ा, फ्यूचर में अमाउंट मिलने वाली है, आज नहीं मिलने वाली, आज तो आपको खर्चा करना है। तो खर्चे को हम माइनस में बेसिकली दिखाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा होगा आपने कि जो खर्चा है वो माइनस में दिखता है, इनकम जो है वो आपके पास में प्लस में दिखती है। तो 1 लाख आपको माइनस में दिख रहा है ईयर जीरो पे, मतलब कि कहना चाहता है सर आज आपको 1 लाख रुपये खर्चा करना है, इन्वेस्ट करना है, फ्यूचर में आपको इनकम मिलेगी 50-50 और 200 भी। तो कहते हैं सर जी फ्यूचर में अमाउंट मिलने वाली है, ऐसे कैसे डायरेक्ट कंपेरिजन कर रहे हो, मतलब कि 50-50 हो गया आपके पास में 200 रुपये, ऐसा थोड़ी ना होता है। कहते हैं फ्यूचर में अमाउंट जब भी मिलती है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ, मतलब कि उसे ईयर जीरो पे लेके आओ। जो ईयर वन पे जो 50 दिख रहे उसका ईयर जीरो पे वैल्यू कितना है, ईयर टू पे जो 50,200 दिख रहे, ठीक है 50,200 दिख रहे उसकी ईयर जीरो पे वैल्यू कितनी, ये लेके आओ। फिर आपको पता चलेगा कि सर असल में फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान। और इसके लिए क्या होता है सर, इसके लिए ही तो होता है पीवी फैक्टर, कि फ्यूचर में कोई अमाउंट है उसको आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या होता है सर पीवी फैक्टर। कैसे करते हैं सर, सीधी सी बात है, रेट तो क्वेश्चन में गिवन हो गया, बिकॉज ऑफ हम इकोनॉमिस्ट हैं नहीं तो रेट हम यहाँ पे डिसाइड नहीं करते, रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वैसे मार्केट के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है, ये बता दूं मैं आपको। तो रेट आपको गिवन होगा, प्रेजेंट वैल्यू रेट जिसे हम कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट कह सकते हैं, नाम अलग अलग देगा, डिस्काउंट फैक्टर आपको रेट कह सकता है। तो रेट क्वेश्चन में गिवन हो गए, अमाउंट के साथ उसका पीवी फैक्टर, रेट का पीवी फैक्टर निकालिए और अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे उस ईयर से, तो वो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं कहूँ कि मार्केट के हिसाब से डिसाइड किया गया कि सर आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू रेट आपके पास में, या फिर मैं कहूँ सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट, ठीक है, या फिर यहाँ पे मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, वर्ड जनरली आपके मॉड्यूल के हिसाब से यूज़ करूँ तो रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, रेट ऑफ रिटर्न। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब तो आपके पास में खर्चा हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न वर्ड यूज़ करते हैं ये लोग, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आपके पास में क्या है सर, खर्चे का परसेंटेज, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं होगा, मैं वो चीज़ भी डिस्कस करूँगा आगे। कहता है कि सर पीवी रेट आपके पास में कह सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न कह सकते हैं, या फिर डिस्काउंटेड रेट कह सकते हैं, ठीक है, डिस्काउंटेड रेट भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डिस्काउंटेड रेट। मैं कह दूँ ये आपके पास में 6% है, ठीक है, ये आपके पास में क्या है सर 6%, तो ये क्या हो गया सर, ये रेट क्या दिया गया सर, ये रेट आपके पास में दिया गया, इससे आप पीवी फैक्टर निकाल सकते हैं। इससे आप पीवी फैक्टर निकालेंगे और ये चेक करेंगे कि ये 50 जो 1 साल बाद मिलने वाले और ये जो 50,202 दूसरे साल में एंड में मिलने वाले हैं उसकी आज की वैल्यू कितनी। तो सीधी सी बात है सर, 2 साल की आपको पीवी फैक्टर ले लेना है, पीवी फैक्टर निकालना ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ सर। फर्स्ट ईयर में आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, दूसरे साल के लिए तो इक्वल टू प्रेस करना है। कहते हैं 1/(1+r)n, 1/(1+r)n, ठीक है, एन का मतलब होता है जिस भी ईयर के लिए पीवी फैक्टर चाहिए। हम ऑलवेज आपके पास में फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई होते, दूसरे साल के लिए अप्लाई नहीं करते, इक्वल टू प्रेस करते हैं सिंपली। एक और चीज़ ध्यान रखना, ईयर जीरो मतलब कि पीवी फैक्टर आपके पास में जीरो। सर ऐसा क्यों, इसका लॉजिक ऑलरेडी बता चुका हूँ आपके पास में। कहता है ईयर जीरो पे जो अमाउंट होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे ही होता है। प्रेजेंट आज की 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या होगी सर, 1 लाख ही रुपए होगी। आज अगर बात कर रहे हो तो आज की वैल्यू आज ही होगी ना, सीधी सी बात है। आज 1 लाख रुपए पे कर रहे हो और आप कह रहे हो नहीं नहीं जी सर जी 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या रहेगी, अरे आज ही पे कर रहे हो तो आज की वैल्यू तो 1 लाख ही रुपए है। जिसके लिए आप 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है सर, 1 लाख, ठीक है। तो ईयर जीरो पे ऑलवेज आपके पास में पीवी फैक्टर जीरो रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे, तो उसे क्या ही कन्वर्ट करोगे, उसे क्या ही कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पीवी फैक्टर 1 लिखना जरा, वरना फिर कहेंगे सर आपके पास में ये ऑलवेज आपके पास में पीवी फैक्टर 1 रहेगा बेसिकली, ठीक है। तो उसकी आज की वैल्यू क्या है सर, उसकी आज की वैल्यू वही है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कहते हैं सर, अमाउंट इंटू पीवी फैक्टर करिए। तो यहाँ पे देखिए 1 लाख × 1 करेंगे तो 1 लाख ही आंसर आएगा, 1 लाख × 1 करेंगे 1 लाख ही आंसर आएगा, क्योंकि ये कहना चाहता है कि ईयर जीरो की आज की वैल्यू वही है, ठीक है, क्योंकि आज जो पेमेंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू आज की वही पेमेंट है, ठीक है, सीधी सी बात है। क्लियर है आपके पास में चीज़ें, एकदम से क्लियर है सर। 10 रुपये का बिस्किट ले रहे हैं आज आप, तो उसकी आज की वैल्यू क्या है, 10 रुपये है तभी तो पे कर रहे हो, सीधी सी बात है, 10 रुपये है तभी तो पे कर रहे हो आपके पास में। तो एक चीज़ एकदम से क्लियर होनी चाहिए सर, कि ईयर जीरो पे पीवी फैक्टर जो है, ईयर जीरो की बात करूँ तो ऑलवेज आपके पास में पीवी फैक्टर 1 रहेगा सर, ऑलवेज पीवी फैक्टर 1 रहेगा, ताकि वो अमाउंट वही रहे। 1 क्यों रहेगा सर, ताकि वो 1 लाख ही रहे, इसलिए 1 कहा गया है, वो 1 लाख जो है 1 लाख ही रहे इसलिए 1 कहा गया,
ठीक है, क्योंकि आज की वैल्यू वो 1 लाख ही है आपके पास में, आज पे कर रहे तो उसकी वैल्यू तो आज की करंट वैल्यू है, तो सीधी सी बात है वो प्रेजेंट वैल्यू है आपके पास में, तो उसमें क्या ही प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए 1 कहा गया, ताकि 1 से अगर मल्टीप्लाई भी आप करेंगे तो वही आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती। तो पीवी फैक्टर स्टार्ट कहाँ से होते? ऑलवेज ईयर 1 के एंड से स्टार्ट होते, क्योंकि ईयर 0 के लिए ऑलवेज वो 1 रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई पीवी फैक्टर होता ही नहीं बेसिकली, ये कहूँ तो ठीक रहेगा। कहते हैं ईयर 0 में कोई पीवी फैक्टर नहीं होता आपके पास में ईयर 1 के एंड से, क्योंकि मैंने कहा था सर लास्ट लेक्चर में पीवी फैक्टर ऑलवेज ईयर एंड के लिए होते, ईयर की स्टार्टिंग के लिए नहीं होते। ठीक है, अच्छा आप ये कह सकते हैं कि सर सेकंड ईयर का स्टार्टिंग मतलब कि फर्स्ट ईयर का एंड मतलब कि फर्स्ट ईयर का एंड का पे फैक्टर यूज़ करिए अगर कोई अमाउंट ईयर 2 के स्टार्टिंग में मिलने वाली है या फिर पे करने वाले हो। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट ईयर का एंड का ही पे फैक्टर अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे सर पे फैक्टर ऑलवेज एंड के हिसाब से ही होते हैं। अगर कोई अमाउंट ईयर के स्टार्टिंग में पे हो रही है या फिर रिसीव हो रही है तो उसे आप एंड में कन्वर्ट करिए, क्योंकि पे फैक्टर तो ऑलवेज आपके पास में एंड में रहेंगे, उसका कोई रोल नहीं है। अमाउंट को आप जो है ईयर को जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे सर, कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि ईयर 2 का स्टार्टिंग मतलब कि ईयर 1 का एंडिंग। तो ईयर 2 का स्टार्टिंग में कोई अमाउंट वाले मिलने वाली है तो उसके लिए ईयर 1 का ही पी फैक्टर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ईयर 1 का ही पी फैक्टर अप्लाई करेंगे। क्यों सर? क्योंकि ईयर 2 का स्टार्टिंग मतलब कि ईयर 1 का एंड पी फैक्टर ऑलवेज एंड के लिए होता है, तो फर्स्ट ईयर के एंड का पी फैक्टर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे आपके पास में अगर ईयर के स्टार्टिंग में कोई अमाउंट मिलने वाली है। लेकिन मैंने ये एग्जांपल में आपके पास में क्या लिया है सर, कहते हैं कि सर ईयर 1 के एंड में आपको ये मिलेगा, ईयर 2 के एंड में आपको ये अमाउंट मिलेगा। ठीक है, एंड में ही है तो एंड का पे फैक्टर अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं सर जी ईयर 1 का पे फैक्टर मुझे बताइए तब जाके कुछ समझ आएगा। कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे सर फॉर्मूला, 1/1+r है मतलब कि 1/1+r मतलब कि रेट ऑफ रिटर्न कह सकते हैं, डिस्काउंट रेट कह सकते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन होगा आपके पास में। ठीक है, हम कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है कि जो हम डिसाइड करें एग्जाम में बैठे बैठे कि मार्केट में अच्छा ये रेट चल रहा है आपके पास में, ऐसा कोई हमें कोई डिसाइड नहीं करना है, क्वेश्चन में आपके गिवन होगा, डायरेक्टली अप्लाई करना है। कहता है 1+6% आपके पास में, और एन का मतलब कहा कि सर जिस भी ईयर के लिए निकालना चाहते हैं वो आपके पास में, तो ईयर 1 के लिए ही निकालना है, बाकी के लिए तो इक्वल टू प्रेस करना है बेसिकली। तो कहता है यहाँ पे 1, तो क्लियर है आपके पास में। कहता है कि 1/1+6% मतलब कि 1.06, तो 1/ ठीक है यहाँ पे 1/ आपके पास में 1.06, 1/1.06 आपके पास में इक्वल टू प्रेस करेंगे, फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर आपके पास में आ जाएगा। फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर आपके पास में आ जाएगा कितना है बताइए, 0.9433। मैंने कहा था सर पॉइंट के बाद बेसिकली अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा है तो हम यहाँ पे 4 डिजिट लेके चलेंगे। वैसे हमारा ये खुद का एजम्पशन है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है 4 लेना पड़ेगा, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 तो लेके ही चलिए, हम एडवाइस करते हैं 4 लेके चलेंगे। ठीक है, अच्छा कहते हैं कि सर जी ईयर 2 का पे फैक्टर कितना होगा, तो अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है एग्जांपल में। ठीक है, यहाँ पे कुछ करना नहीं, पे फैक्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ पहले साल के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, उसके बाद तो इक्वल टू प्रेस करना होता है, ये मैंने सिखाया था। तो कहते हैं कि सर ईयर 1 के लिए पे फैक्टर मिल चुका है, अब सिंपली कैलकुलेटर में मुझे जो दिख रहा है पॉइंट आपके पास में 9433 9622 ये करके, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब इक्वल टू प्रेस करना है आपके पास में, सिंपली एक बार इक्वल टू प्रेस करिए, सेकंड ईयर का मिल जाएगा, सेकंड ईयर का आपके पास में मिल जाएगा 0.8899 आपके पास में मिल जाएगा। तो एकदम से क्लियर है आपके पास में, एकदम से क्लियर है चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में ये चीज़ क्लियर है। सर ईयर 3 होता तो ऑल एक बार इक्वल टू प्रेस कर देते। अच्छा यहीं पे बात निकली है तो मैं ये एक चीज़ बता दूं कि कई कैलकुलेटर में इक्वल टू प्रेस करने से कोई आंसर ही नहीं आता है, तो वो कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर इशू है, आपको कैलकुलेटर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ इक्वल टू प्रेस करने से ये अमाउंट आ रहा है तो आपका कैलकुलेटर सही है, एकदम परफेक्ट चल रहा है। कुछ कुछ कैलकुलेटर होते हैं जो ये चीज़ को नहीं मानते, मतलब कि उसमें सॉफ्टवेयर कुछ अलग ही टाइप का मिलाया हुआ होता है, तो उसमें इक्वल टू प्रेस करने से यही अमाउंट रहता है, कुछ बदलता ही नहीं आपके पास में। तो अगर वैसा कैलकुलेटर है तो आपको कैलकुलेटर बदलना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, क्योंकि आपके पास में वो कैलकुलेटर होना चाहिए जहाँ पे इक्वल टू प्रेस करने से आपके नेक्स्ट ईयर के पी फैक्टर मिलते चले। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ तो जो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था वो वापस से मैं कर रहा हूँ। तो अब पी फैक्टर मिल चुके हैं सर, क्या अब मैं इस चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकता हूँ? बड़े ही आराम से। कहते हैं फर्स्ट ईयर का 50,000 रुपये, फर्स्ट ईयर का एंड का 50,000 रुपये पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आज की ईयर 0 की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, बेशक मिल जाएगी आपके पास में, एकदम निसंदेह मिल जाएगी। कहता है कि सर 50,000 इंटू करिए, ठीक है 50,000 इंटू 0.9433
कहता है कि आपके पास में आज की वैल्यू इतनी है, कितनी आपके पास में यहाँ पे लिख देता हूँ, 47,165। लो जी देख लो, वो जो उल्लू बना रहा था, ये कौन सर, ये जो एजेंट आया था आपके पास में, वो आपको उल्लू बना रहा था। कैसे सर? कहता है कि सर फर्स्ट ईयर के एंड में आपको 50,000 रुपये दे देंगे, लेकिन उसकी आज की वैल्यू कितनी है सर? ओनली एंड ओनली 47,165, क्योंकि आपको भी पता चल गया, मुझे भी पता चल गया कि आज का 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट फ्यूचर में 20 रुपये हो सकता है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये मैं सिर्फ और सिर्फ ये एग्जांपल से ये साबित करना चाहता था कि आज के 5 रुपये मतलब कि फ्यूचर के 20-25 ज़्यादा होते जाएंगे, बेसिकली ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा बेसिकली। तो फ्यूचर में वो 50 दे रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, वो आज के 50 होना ये ज़रूरी है, ठीक है। जो फ्यूचर में जो वो 50 दे रहा है, वो उसकी वैल्यू आज की 50 होनी चाहिए, 50,000 दे रहा है तो आज की वैल्यू 50,000 होनी ये ज़रूरी है, और ऐसा तो होगा नहीं सर, क्योंकि हर दिन आपके पास में महंगाई बढ़ती जा रही है। तो फ्यूचर में मैं कहूँ सर 50,000 से ज़्यादा अमाउंट उसको देना था, वो तो सिर्फ 50,000 दे रहे, जिसकी आज की वैल्यू तो ओनली एंड ओनली 47,165 है आपके पास में, ठीक है। आज ये अच्छा जी सेकंड ईयर का मुझे बताओ, कहता है 50,200 देंगे, उसकी आज की वैल्यू क्या है कहिए, कहता है 50,200 आपके पास में, ठीक है, इंटू 0.8899 बताइए, और उसकी आज की वैल्यू कितनी है, कहता है सर 44,672.98 में 3 ले लेता हूँ अभी के लिए, तो 73 आपके पास में, देख लीजिए। तो ये झोल देख रहे हैं आप बेसिकली, आज की वैल्यू कितनी हो गई सर, आज की वैल्यू ज़रा टोटल लगाइए, आपको अभी पता चल जाएगा सर प्रॉफिट हो रहा था लॉस हो रहा था, जिसमें आप हाँ बोल रहे थे आपके पास में कि ये बढ़िया स्कीम है, 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखिए ज़रा इसका टोटल लगाइए, ठीक है, आज की वैल्यू मिल जाएगी, ये जो आपको 1,200,000 रुपये टोटल मिलने वाले थे, जिससे आप कंपैरिजन कर रहे थे और कह रहे थे कि सर 200 रुपये का तो फ़ायदा है सर जी, कहाँ पे फ़ायदा है, इसका प्रेजेंट वैल्यू का टोटल निकालिए अभी पता चल जाएगा। कहते हैं 47,165 प्लस 44,000 आपके पास में 673, कहते हैं आज की उसकी वैल्यू कितनी है सर 91,838। तो ये एजेंट आपको उल्लू बना रहा है बेसिकली, ये आपका नुकसान करवा रहा है, नुकसान कितना करवा रहा है, कहता है कि सर आज 1,00,000 रुपये दीजिए, फ्यूचर में जो वैल्यू मिलने वाली है उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल दी छुपके से, उसे पता नहीं चला हमें, ठीक है, उसको पता नहीं, हम यहाँ पे सीए स्टूडेंट है आपके पास में, हमें सब पता है ये चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे छुपके से, ठीक है, कहीं रूम में जाके कहीं और जाके हमने जो है इसकी वैल्यू निकाल ली, पता चला कि सर इसकी वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ कितनी है 91,835, ठीक है। तो इसका डिफरेंस लगाया तो पता चला अपने को तो लॉस हो रहा है, 1,00,000 पे कर रहे हैं और फ्यूचर में जो पेमेंट होने वाला है उसका आज की वैल्यू है आपके पास में 91,838, तो लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं, कहता है सर लॉस 8,162 का आपके पास में लॉस हो रहा है सर जी, क्या हो रहा है सर जी, लॉस हो रहा है आपके पास में बेसिकली। और हमने क्या किया सर, ये छिप कैसे कैलकुलेशन करी और फिर वापस आए अपने फादर को बता दिया, ठीक है, फादर मदर जो भी थे उनको हमने बता दिया कि सर ये बेसिकली ये स्कीम भी कुछ नहीं है, ये अपने को उल्लू बना रहा है बेसिकली, 8,162 रुपीज़ का लॉस करवाएगा, इससे अच्छा तो बैंक में डाल देते तो इससे अच्छा रिटर्न मिल जाता। फॉर एग्जाम्पल बैंक में 8% चल रहा है, 9% चल रहा है, ठीक है, 10% चल रहा है, तो वो आपको रिटर्न दे रहा है आपको, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास में पैसे सेफ है, ये आपके लिए सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो चलो फ़ायदा तो चलो नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन लॉस भी तो नहीं होना चाहिए, लॉस करवा रहा है आपके पास में 8,162 का लॉस करवा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो डायरेक्ट ये जो कंपैरिजन आप कर रहे थे ये पता चला सर ये एकदम से गलत थी आपकी चीज़ें, जो आप ये कह रहे थे कि सर 50,000 और 50,200 1,00,200 मिल रहा है सर जी, 200 रुपये का फ़ायदा, तो ये चीज़ आपके पास में गलत थी, क्या ये चीज़ समझ में आई सर? फ्यूचर में जो अमाउंट मिलने वाले वो फ्यूचर का 50,000 छोड़ी ना, आज का 50,000 है, आज की वैल्यू उसकी कम होगी, ठीक है, आज का 5 रुपये का बिस्किट मतलब कि उसके लिए तो 20 रुपये पे करने फ्यूचर में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पास में ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इवन प्रैक्टिकल लाइफ। हालांकि हमें ये रेट वगैरह तो जो है कहीं से मार्केट से फाइंड आउट करना पड़ता है, ये चीज़ तो ठीक है आपके पास में, ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिकल के हिसाब से वहाँ पे हम नहीं जाएंगे कैसे होता है ये चीज़, लेकिन कहते हैं कि आपके पास में ये प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट अभी भी प्रैक्टिकली अप्लाई होता है। जहाँ पर ये स्कीम तो आप वैसे भी देखते ही आ रहे, सब प्रैक्टिकली ये स्कीम वगैरह होती रहती है, कहीं ना कहीं एजेंट घूमते रहते हैं, ये स्कीम आपको बताते रहते हैं, कहीं ना कहीं फ़ोन भी करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं मिलने भी आते, तो ऐसी स्कीम तो आप अपनी लाइफ में देख भी चुके होगे, ऐसे एजेंट को जो स्कीम बताते हैं इनमें इन्वेस्ट करिए फ्यूचर में इतना इतना मिलेगा वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वही है, यहाँ पे आपको देखना पड़ता है प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट अप्लाई करके कि क्या इसमें फ़ायदा हो रहा है,
ठीक है, फ़ायदा नहीं हो रहा है तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या बात क्लियर हो रही है आपके पास में? तो यहाँ पे जो आपने करा, क्या चीज़ करी, फ्यूचर में जो इनकम होने वाली थी, इनकम होने वाली थी उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया और देखा कि सर जो हमने आउटलो खर्चा किया उसके मुकाबले हमें इनकम ज़्यादा हो रही है या फिर कम हो रही है। हमने देखा कम हो रही है, कितनी सर? कहता है 8162 माइनस में दिखाना, ठीक है, क्योंकि लॉस हो रहा है। तो कहता है कि सर 8162 का आपके पास में लॉस हो रहा है सर जी। तो ये जो चीज़ आपने करी, यही को मैं कहूँगा ये एनपीवी है। ये चीज़ को मैं क्या कहूँगा सर, एनपीवी है। ये आपने कन्वर्ट किया, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट है। जैसे ही आप उसे आउटफ्लो में से माइनस करके अमाउंट निकालते, एग्जिट डिफरेंस अमाउंट निकालते, उस डिफरेंस अमाउंट को कहा जाता है ये एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू जब डिफरेंस निकाल लेते तो उसी चीज़ को हम कह देते हैं सर आपके पास में नेट प्रेजेंट वैल्यू है। क्या बात क्लियर है एकदम से? सिंपल सी चीज़ है आपके पास में, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं सर जी, एक और एग्जांपल लेते हैं। कहते हैं आपके पास में एक और एग्जांपल, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए। अब आप बताएंगे इस चीज़ का आंसर, अब आप बताएंगे, ठीक है। कहते हैं कि सर जी आपके पास में कोई स्कीम है, ठीक है, कोई स्कीम लेके आया आपके पास में और कहते हैं कि आप एक काम करिए, ईयर की मैं बात करूं सर जी, ये स्कीम जो एजेंट लेके आए वो कहता है कि सर जी ईयर ज़ीरो में, मतलब कि आज, ईयर ज़ीरो का मतलब सर जी आज, एकदम से क्लियर है, एकदम से क्लियर है सर। कहते हैं आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, वो तो सीधी सी बात है, शाश्वत सत्य है कि आज तो आप पैसे ले ही जाएंगे। हमने कहा बताइए एजेंट जी क्या बताना चाहते हैं, क्या पेमेंट, क्या हमें करना है इन्वेस्ट? कहते हैं सर जी आज आपको इन्वेस्ट करना है आपके पास में 2 लाख रुपये। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करेंगे, फ्यूचर में क्या मिलने वाला है हमने पूछा। एजेंट कहता है सर जी रुकिए ज़रा, कहता है ईयर वन के एंड में भी आपको थोड़ा सा और पेमेंट करना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा जी क्या पेमेंट करना है? कहता है कि सर और आपको 50,000 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा, यह स्कीम का कुछ ऐसा ही रूल है। हमने कहा ठीक है आगे बताओ। कहते हैं ईयर टू के एंड से आपको इनकम होना आपके पास में शुरू हो जाएगा। कहते हैं ईयर टू के एंड में आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, बढ़िया जी बढ़िया, एकदम बढ़िया। कहता है ईयर थ्री में भी मिलेंगे सर, कितने? वही 1 लाख रुपए मिलेंगे सर, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है ईयर थ्री में भी मिलेंगे सर, सॉरी ईयर फोर में भी मिलेंगे सर। कहता है 1 लाख रुपए। हमने कहा बढ़िया जी कोई दिक्कत नहीं है सर। कहता है रुक जाओ ज़रा, और भी मिलने वाला है सर, ईयर फाइव में भी 1 लाख रुपीज़ मिलने वाला है। हमने कहा एकदम बढ़िया, कहते हैं एकदम बढ़िया आपके पास में, एकदम बढ़िया। तो कहता है ये हमारे पास में स्कीम है। कहता है अच्छा जी कोई दिक्कत नहीं है। एजेंट बोलने लगा कि सर एकदम देखिए कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है, एजेंट हमको बोल रहा है। कहते हैं कि देखिए एक बार से आपके पास में, कहते हैं आपके पास में कि सर जी देखिए ना कितना बढ़िया स्कीम है। कहता है 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है, 50,000, मतलब कि अल्टीमेटली 2,50,000 इन्वेस्ट करने, उसके सामने आपको कितना मिलेगा? कहता है कि सर 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके 4 लाख रुपए देने वाले हैं, ठीक है। तो 2,50,000 इन्वेस्ट होने मतलब कि माइनस में दिखेंगे, ठीक है। और कहता है कि कितना मिलेगा सर? 4 लाख रुपये, एकदम से कितना बड़ा फ़ायदा है। कहता है 4 लाख आपके पास में माइनस आपके पास में 2,50,000 आपके पास में, ठीक है। तो कितना बड़ा फ़ायदा है सर? 1,50,000 का फ़ायदा, 1,50,000 का फ़ायदा, ये हमें एजेंट बता रहा था। हमने कहा रुको ज़रा, हम सीए स्टूडेंट है। एजेंट घबरा गया, ठीक है, एजेंट घबरा गया। क्यों? क्योंकि एज ए सीए स्टूडेंट आपको ये पता है कि सर यहाँ पे फ्यूचर में अमाउंट मिलने वाली है, तो ऐसे यहाँ पे कंपेरिजन नहीं होता। इस अमाउंट का हमें प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद ये चीज़ जो है वो कंपेरिजन होती है। एजेंट थोड़ा सा घबरा गया। हमने कहा 5-10 मिनट रुक जाओ, हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये स्कीम ठीक है या फिर नहीं। एजेंट और घबरा गया। एजेंट ने कहा ठीक है आप कैलकुलेशन कर लीजिए, हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। हमने शुरू कर दिया कैलकुलेशन। हमने पहले तो देखा कि सर असल में अभी प्रेजेंट वैल्यू का रेट कौन सा चल रहा है, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, लेकिन सीधी सी बात है प्रैक्टिकल के हिसाब से तो ये क्वेश्चन वेश्चन होता नहीं है, ठीक है। आपको खुद से यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा मार्केट से, बेसिकली वो इकोनॉमिक डिसाइड करता है, अपने को तो डायरेक्टली लेना होता है, लेकिन ये हमारे प्रैक्टिकल का पार्ट नहीं है। हमारे पास में तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आपको रेट गिवन होगा, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू रेट आपके पास में, जो मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपके पास में, जो प्रेजेंट वैल्यू रेट है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास में 8% है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो एजेंट आपके सामने बैठा है 5-10 मिनट के लिए, हम तुरंत कैलकुलेशन करके इनको बताएंगे कि ये आपके पास में सही स्कीम है या फिर नहीं, इन्वेस्ट करने लायक है या फिर नहीं।
तो हम क्या करेंगे सर, पीवी फैक्टर निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। तो पीवी फैक्टर, और आपको पता है सर जी, ईयर ज़ीरो पे आपके पास में पीवी फैक्टर ऑलवेज बी वन, क्योंकि ईयर ज़ीरो पे जो भी आपके पास में वैल्यू है वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे ही है आपके पास में, ऑलरेडी आपके पास में क्या है सर, प्रेजेंट वैल्यू पे ही है, ठीक है। ईयर वन से आपके पास में पीवी फैक्टर लगना शुरू होते हैं। तो ईयर में वन में तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वन डिवाइड बाई वन प्लस आर की पावर एन, तो कहता है वन डिवाइड बाई वन प्लस 8%, मतलब कि 1.08 इज इक्वल टू, प्रेस करेंगे आपके पास में पीवी फैक्टर निकल के आ जाएगा 0.9259, ठीक है। अब इक्वल टू ही प्रेस करना है, पीवी फैक्टर मिलते जाएंगे। कहता है इक्वल टू आपके पास में, तो कहता है 0.8573, और एक बार इक्वल टू, ईयर थ्री का मिल जाएगा, कहता है 0.7938। इसके बाद आपके पास में और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, आपके पास में मिल जाएगा 0.7350, और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपके पास में 0.6805। क्लियर आपके पास में एकदम से चीज़ें एकदम, ठीक है। कहते हैं कि ये पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू आएगी, और फिर हम जो आउटफ्लो और इनफ्लो का यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सर, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो बेसिकली ये कॉलम हम नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए बनाएंगे और देखेंगे फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान। तो कहता है 200,000 × 1, 200,000 × 1 सर, 200,000 ही आएगा, और ये माइनस में, मतलब कि खर्चा है तो 200,000 माइनस में ही दिखेगा, खर्चा है तो माइनस में ही दिखना है बेसिकली। ईयर वन पे भी खर्चा ही होने वाला है, तो यहाँ पे भी माइनस, खर्चा है तो माइनस में ही दिखाओ। लेकिन कहता है सर फ्यूचर में, मतलब कि एक साल बाद के 50,000 आज के 50,000 नहीं होंगे, थोड़े से कम होंगे। कहते हैं कितना सर, 50,000 इंटू करिए 50,000 इंटू आपके पास में, एक मिनट ज़रा, कहते हैं 50,000 आपके पास में माइनस में है, तो माइनस 50,000 इंटू 0.9259, ठीक है, और इक्वल टू प्रेस करेंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा 46,295 आपके पास में आंसर। और ये माइनस में दिख रहा है क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी पेमेंट करना है। बढ़िया, एक अलग तरीके की स्कीम है जहाँ पे ईयर ज़ीरो और ईयर वन दोनों में खर्चा करना है अपने को, और इनकम कहाँ से होगी, सेकेंड ईयर के एंड से, ठीक है। ऐसी भी स्कीम होती है, ज़रूरी नहीं है कि ईयर ज़ीरो में ही सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना होता है। ऐसी भी स्कीम होती है कि ईयर ज़ीरो में भी आज मतलब कि खर्चा करिए, ईयर वन में भी खर्चा करिए, और ईयर टू से इनकम मिलना शुरू होगी, ठीक है, ऐसा भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहता है कि सर ईयर टू के एंड से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कहता है 100,000 रुपये मिलेंगे, कहता है 100,000 इंटू कर दीजिए, आज की वैल्यू मिल जाएगी 100,000 इंटू आपके पास में 0.8573, ठीक है। तो कहता है 85,000 आपके पास में, 85,730 आपके पास में, ठीक है सर। तो ये चीज़ भी क्लियर है। इसके बाद वापस से 100,000 मिलेंगे, लेकिन थर्ड ईयर के एंड में, तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा कम हो जाएगी आज के मुकाबले। कहता है 100,000 इंटू आपके पास में 0.7938, तो कहता है कि 79,380 आपके पास में, 79,380 आपके पास में। इसके बाद वापस से फोर्थ ईयर के एंड में भी 100,000 मिलने वाले हैं, लेकिन उसकी वैल्यू और ज़्यादा कम हो जाएगी जैसे जैसे दूर चले जाते जाओगे, जैसे जैसे फ्यूचर में और ज़्यादा दूर जाओगे उसकी आज की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं कि सर 100,000 इंटू 0.7350, तो कहते हैं 73,500 आपके पास में, ठीक है। और लास्ट में आपको फिफ्थ ईयर में भी मिलेगा, उसके बाद स्कीम ख़त्म। कहता है 100,000 इंटू 0.6805, तो इज इक्वल टू आपके पास में 68,000, ठीक है, 050, मतलब कि 68,050 रुपीज़। तो डायरेक्टली मैं GT प्रेस कर दूंगा, मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है इसलिए, ठीक है। आपके जो कैलकुलेटर में GT बटन नहीं, तो मेमोरी प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं, और इस पर मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आपके पास में है, जहाँ पे मैंने GT और मेमोरी प्लस का ऑलरेडी मीनिंग बता दिया बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आएगा सर 60,365 पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ये प्लस में दिख रहा है, पॉजिटिव आपके पास में आंसर आ रहा है। तो अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो बेसिकली आपको पता ही है क्या चीज़ सर, ये आपके पास में प्रोजेक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 60,000 के आज के हिसाब से 60,365 का आपके पास में फ़ायदा हो रहा है, तो ये प्रोजेक्ट सही है। तो हमने एजेंट को कहा ठीक है, आपके पास में ये प्रोजेक्ट हमारे लिए सही है, हम दूसरे 2-3 प्रोजेक्ट देखेंगे वहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, और 2-3 प्रोजेक्ट में जहाँ पे सबसे ज़्यादा NPV होता है
उस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 60,000 आपके पास में 365 का आपके पास में फ़ायदा हो रहा है। दो तीन अगर आपके पास में और ज़्यादा प्रोजेक्ट है तो उसके भी हम NPV निकालेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा NPV का मतलब क्या है सर, नेट फ़ायदा। ठीक है, NPV का मतलब क्या है सर, नेट फ़ायदा, प्रेजेंट वैल्यू में नेट फ़ायदा कितना हो रहा है। तो कहता है प्रेजेंट में आपको नेट फ़ायदा 60,365 का मिल रहा है। ठीक है, कन्वर्टेड वैल्यू आज की आपको वैल्यू दे रहा है कि आज में आपके जो है जो फ्यूचर में जो अमाउंट मिल रहा है वो सब को मैंने क्या कर दिया सर, प्रेजेंट में लेके रख दिया। और प्रेजेंट में कहते हैं कि सर 60,365 का फ़ायदा हो रहा है, तो एकदम बढ़िया स्कीम है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दूसरे प्रोजेक्ट में ज़्यादा NPV मिल रहा है तो वहाँ पर इन्वेस्ट करिए यहाँ की जगह। ठीक है, तो ऑलवेज़ यहाँ पर ऐसा होता है कि आपके पास में 4-5 प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, और 4-5 प्रोजेक्ट में से आपको सिलेक्ट करना होता है, जिसका भी NPV ज़्यादा निकल के आएगा उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन आपके पास में क्लियर, NPV इसके साथ आपके पास में क्लियर हो गया होगा। जैसे ही NPV पढ़ लेते हम IRR पे स्विच करेंगे अब। ठीक है, अभी तो हमने NPV पढ़ा, अब IRR की मेथड आपकी स्टार्ट होती है। IRR का मतलब होता है सर जी, IRR का मतलब होता है कि आपके पास में कोई भी अमाउंट जो आपको कोई भी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, IRR का मतलब होता है एक वो रेट दे के जाएगा आपको। IRR का मतलब होता है कि ये तीन स्टेप से जो आप रेट निकालेंगे, ये तीन स्टेप से आपको रेट मिलता है, एक रेट मिलेगा। वो रेट क्या होगा सर, ये रेट को हम कहते हैं IRR रेट। ठीक है, ये रेट को हम क्या कहते हैं सर, IRR रेट, या फिर YTM रेट आप कह सकते हैं। ये रेट का मतलब क्या होगा, ये रेट का मतलब होगा कि ये वो रेट है जहाँ पर आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इक्वल रहेंगे आपके पास में। इसका मतलब मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ, आपके पास में NPV ज़ीरो रहेगा। NPV आपके पास में क्या रहेगा सर, ज़ीरो रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ बेसिकली। तो IRR ऑलवेज एक रेट आपको देता है जहाँ पे NPV आपका ज़ीरो रहेगा, मतलब कि आपको इक्विवेलेंट रेट देता है, मतलब कि ये रेट तो आपको चाहिए ही चाहिए, ऐसा कहना चाहता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मान लेते हैं सर आपके पास में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लेते हैं सर जी आपके पास में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास में, मैंने क्या लिख दिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 9% है, और IRR रेट आपके पास में जो ये तीन स्टेप से निकालेंगे सिखाऊंगा अभी, IRR रेट फॉर एग्जांपल 10% आया तो ये ठीक है आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में नॉर्मल बिजनेस ले लेता हूँ, तो नॉर्मल बिजनेस में क्या ही खर्चा होता है, इंटरेस्ट रेट होगा आपके पास में, इंटरेस्ट का खर्चा होगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रेट आपके पास में, इंटरेस्ट रेट 9% हमारा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब है कि नॉर्मल बिजनेस है अपना, एक ही खर्चा होता है इंटरेस्ट का, तो 9% खर्चा हो रहा है आपके पास में। तो IRR क्या बताता है आपको, IRR एग्जैक्ट परसेंटेज बताता है कि ये कहता है कि सर 9% एग्जैक्टली कमाना पड़ेगा। ठीक है, तो IRR आपको ये परसेंटेज देता है कि बेसिकली आपकी इनकम कितनी हो रही है। ठीक है, इनकम कितनी परसेंट हो रही है, कहता है 10%, तो हाँ जी आपके पास में सही बिजनेस चल रहा है, एकदम चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें फ़ायदा हो रहा है। कॉस्ट 9% है, इनकम 10% है, आपके अपने खर्चे जो है वो बियर कर पाएंगे, फ़ायदा हो रहा है। कहता है लेकिन IRR अगर 10% ना हो और 8% निकल आए, तो यहाँ पे आपको जो है डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा हेल्प मिलता है IRR के हिसाब से। कहता है कि IRR आपको इनकम का रेट बताएगा कि आप कितना कमा रहे हैं, 8% कमा रहे हैं, जा कितना रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम पे कितना जा रहा है, 9% जा रहा है सर, कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है बिजनेस में, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर IRR तब एक्सेप्टेबल होगा, मतलब कि IRR का रेट जैसे ही आप जो है लेके आएंगे, डिसीजन क्या लेंगे। कहता है कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। कहते हैं कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपके पास में जा कितना रहा है, 9% खर्चा हो रहा है, मान लेते हैं सर जी IRR भी 9% लेके आया। IRR का मतलब सर इनकम का परसेंटेज, आप 9% कमा रहे हैं, 9% जा रहा है, तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लॉस तो नहीं हो रहा है ना, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं कि सर जी हमेशा ध्यान रखिए, IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से या तो ज़्यादा होना चाहिए तो आपके पास में वो प्रोजेक्ट सही है, या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास में कंसेप्ट बनता है, ये आपके पास में कंसेप्ट बनता है। कहता है कि IRR आपके पास में या तो इक्वल रखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, या फिर आपके पास में क्या रखो सर, या फिर आपके पास में उससे ज़्यादा रखो। इक्वल टू है तो भी कोई दिक्कत नहीं है एक बार के लिए, वो फिर आपके ऊपर है कि सर इक्वल टू है तो आप यहाँ पे बिजनेस पे ध्यान देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, वो आपके ऊपर।
लेकिन उससे ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। जब इक्वल टू है तो एफएम आपको कुछ भी नहीं कहता, एफएम फिर आपके ऊपर छोड़ता है कि आपको क्या करना है, वो आप डिसीजन लीजिए। लेकिन उससे कम है तो एफएम आपको ये कहेगा कि सर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सही नहीं चल रहा है, क्योंकि खर्चा आपका ज़्यादा है और आपके इनकम कम है। लेकिन आईआर ज़्यादा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आपका चल रहा है, बिज़नेस चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूँ कि सर आईआरआर जो है वो परसेंट है, वो एग्जैक्ट परसेंट है जो आप इनकम कमा रहे हैं, ठीक है। एनपीवी ज़ीरो होगा आईआरआर पे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आईआरआर पे एनपीवी ज़ीरो होगा आपके पास में, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इसका फॉर्मूला फुल फॉर्म होता है बेसिकली, ठीक है। तो जितनी इनकम कमा रहे हैं और जितना आउटफ्लो हो रहा है, ये दोनों को इक्वल कर देता है बेसिकली, और उस रेट को निकाल के आता है। इस रेट का मतलब क्या होता है सर, मिनिमम इतना तो आपके पास में होना ही चाहिए, ये इनकम रेट निकाल के आता है बेसिकली, ठीक है, ये इनकम रेट निकल के आता है। सर जी एनपीवी में तो यहाँ पे कुछ फ़ायदा नुकसान निकल के आ रहा था, आईआरआर में नहीं निकल के आएगा, आंसर इज नो। क्योंकि इसका एक एक्सेप्शन क्या है सर, कहते हैं आईआरआर जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर को कंसिडर करता ही नहीं है बेसिकली, एक्सटर्नल फैक्टर को कंसिडर नहीं करता, इसलिए यहाँ पे दूसरा कोई फ़ायदा नुकसान देख ही नहीं रहा है, ये सिंपली ये देख रहा है कि आपके पास में कितना खर्चा हुआ, उसके सामने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना होना चाहिए, ठीक है, और एक रेट आपको दे देगा कि ये आपके पास में होना ही चाहिए, आपके पास में इनकम होनी चाहिए इतनी, ठीक है। तो आईआरआर बेसिकली क्या है सर, आईआरआर जो है इंटरनल है आपके पास में, एक्सटर्नल फैक्टर को ये इग्नोर करता है, जबकि एनपीवी जो है वो आपके पास में एक्सटर्नल फैक्टर से डिसाइड किया हुआ रेट को कंसिडर करता है, मतलब कि सारी चीज़ों को कंसिडर करता है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको एक फ़ायदा और नुकसान आपको बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस होता है, ये थियोरेटिकल है, थियोरी अभी हम कवर नहीं कर रहे, थियोरी के लिए हो सकता है कि हम टाइम मिले तो हम यहाँ पे आपके लिए एक लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, क्लियर आपके पास में। कहता है आईआरआर कैसे होगा, तो बड़ा ही सिंपल है, कहता है कि सर जी यही एग्जांपल को मैं कहूँ कि यही एग्जांपल को आप आईआरआर से सोल्व करिए, ठीक है। तो कैसे होगा, बड़े आराम से देखिए, यही एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, छोटा सा सबसे पहले लेता हूँ, देखिए। मैंने कहा सर एक प्रोजेक्ट है आपके पास में, ठीक है, और प्रोजेक्ट कहता है आपके पास में कि ईयर ज़ीरो पे, मतलब कि आज ईयर ज़ीरो पे आपको खर्चा करना है 1,00,000 रुपये, ठीक है, और आपके पास में यहाँ पे ईयर ज़ीरो पे 1,00,000 खर्चा करना है, और मैं कहूँ आपके पास 1 और 2, ठीक है, आज खर्चा करना है मतलब कि माइनस में दिखेगा, ईयर 1 के एंड में 60,000 रुपीज़ मिलेंगे आपको और ईयर 2 के एंड में 60,000 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। और मैंने कहा सर आईआरआर रेट निकालिए, क्या निकालना है सर, आईआरआर रेट निकालना है, ठीक है, आईआरआर रेट आपको क्या चीज़ निकालनी है सर, रेट निकालना है, ठीक है, निकाल पाएंगे, बड़े आराम से निकाल पाएंगे, 3 स्टेप फॉलो करने हैं, ये क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए वो 3 स्टेप जो मैंने लिखवाए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कहता है 2 रेट एज्यूम करने हैं, अब ध्यान रहे सर 2 रेट, आईआरआर की बात करूँ मतलब कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो चैप्टर है वहाँ पे 2 रेट ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होंगे आपके पास में, ठीक है, एग्जाम में आपके पास में क्वेश्चन के अंदर ही 2 रेट गिवन होंगे, 4-5 रेट दे देंगे और उसमें से 2-3 आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है। तो वो मैं जब आईआरआर का क्वेश्चन करवाऊँगा वहाँ पे, तो वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करूँगा, यहाँ पे 2 रेट आपको दे देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा किस तरीके से गिवन होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि सर आईआरआर रेट फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया आपके पास में 8% एंड 9% के हिसाब से कैलकुलेट करिए, आईआरआर रेट को कैलकुलेट करना है, कहते हैं कि 8% और 9% के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो ये आपको क्या दे रखा है, ये प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपके पास में रेट दे रखा है, ये प्रेजेंट वैल्यू रेट है बेसिकली, रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली। तो 2 रेट आपको दिया है, ये 2 रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, ध्यान रखिएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर के अंदर एग्जाम में आपको गिवन होंगे, ठीक है। तो वह तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर मैं आपके पास में क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो वहाँ पर हो जाएगा, कंसेप्ट में यहाँ पर कवर कर रहा हूँ तो कंसेप्ट के लिए यही पर वीडियो देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में वहाँ पर डिस्कस करूँगा उसके जितने भी है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर दी कि 2 रेट क्वेश्चन में गिवन होंगे, कैसे कैसे गिवन होंगे वो वहाँ पे डिस्कस करूँगा आईआरआर में, ठीक है, वाईटीएम में अभी थोड़ी देर बाद। सबसे पहले आईआरआर का एक चीज़ बता दूँ, वाईटीएम वही सेम है लेकिन थोड़ी सी चेंजेस क्या है वो दिखाऊँगा। सबसे पहले आईआरआर पढ़ रहे हम, कहते हैं 2 रेट एज्यूम करना है, वो क्वेश्चन में गिवन होंगे, हमने देख लिया 2 रेट गिवन है। कहते हैं कि आपके पास में उसके बाद वो 2 रेट से एनपीवी निकालिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए। तो वो 2 रेट ऑलरेडी गिवन होगा जहाँ पे आपको एक पॉजिटिव निकल के आएगा एक नेगेटिव निकल के आ जाएगा,
एक मिनट, यहाँ पे 9% नहीं, आप एक काम करिए, यहाँ पे 9% नहीं, यहाँ पे आप लेंगे 12% लीजिए। क्वेश्चन में गिवन होगा ये रेट, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है, किस तरीके से गिवन होगा ये सारी चीज़ें हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेशन करके चेक कर लिया, 12% रखिए यहाँ पे, ठीक है। तो कहते हैं कि सर यहाँ पे 8% और 12%, इतना क्वेश्चन आपके पास में गिवन है, ये भी रेड में ही लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन जो गिवन है वो रेड में आपको गिवन है। कहता है कि क्वेश्चन में रेट भी आपको गिवन होगा। रेट कहता है कि सर आप IRR निकालने के लिए दो रेट है आपके पास में, 8% है एंड आपके पास में 12% है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले दो रेट एज्यूम करने थे, वो क्वेश्चन ही बता देगा आपके पास में, वो चीज़ खत्म हो गई। अब ब्लैक से हम आंसर सोल्व करेंगे। दो रेट एज्यूम कर लिए आपके पास में क्वेश्चन में गिवन थे, वो तो आपके पास में हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है सर, अपनी समरी नोट ओपन करके रखिए। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप आपके पास में है कि दोनों रेट के हिसाब से NPV निकालिए, दोनों रेट के हिसाब से, ठीक है सर। तो 8% के हिसाब से सबसे पहले निकाले NPV, कैसे निकलता है सर, भूल गए क्या, PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करो और उसका आंसर निकाल लो, काम खत्म हो गया सर। 8% के हिसाब से सबसे पहले निकालते, ठीक है सर, 8% के हिसाब से सबसे पहले निकालते। कहता है बताइए ईयर जीरो पे, ऑलवेज वन, सीधी सी बात है, ईयर जीरो पे PV फैक्टर कितना, ऑलवेज वन, ये PV फैक्टर लिख रहे हैं हम, तो ईयर जीरो पे PV फैक्टर ऑलवेज बी वन, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा। बताइए फॉर्मूला, 1/1 r^n, तो 1/1 + 0.8, मतलब कि 1+ आपके पास में 8%, मतलब कि 1.08, ठीक है। तो 1/1.08 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपके पास में ये PV फैक्टर निकल के आ गया 0.9259, और ये और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, सेकेंड ईयर का मिल जाएगा यहाँ पे, तो दो साल की लाइफ है, तो ये आपके पास में होगा 8573, ठीक है। ये PV फैक्टर आ गया, तो आपके पास में NPV भी मिल जाएगा, सीधी तरीके से मिल जाएगा सर, 1 lakh × 1 lakh माइनस में आएगा, ठीक है, खर्चा है। इसके बाद 60,000 × 0.9259 करिए आपके पास में, कहता है 55,554 आ रहा है, और कहता है ये आपके पास में 60,000 × 0.8573, तो कहता है ये आपके पास में आ गया 51,438। देखिए ज़रा फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान, फ़ायदा हो रहा है तो प्लस में दिखेगा, नुकसान हो रहा है तो माइनस में दिखेगा। तो कहता है कि आपके पास में 55,554 + 51,438, जिसमें से माइनस कर देंगे 1 lakh, तो आपके पास में 6,992 आपके पास में, ठीक है, ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है। हमने पहले ही कहा था कि सर इसका रूल जो है स्टेप नंबर टू क्या कहता है, एक NPV पॉजिटिव आना चाहिए, एक NPV नेगेटिव आना चाहिए। हालांकि आपको रेट ऑलरेडी गिवन है आपके पास में, ऑलरेडी गिवन है, इसलिए आपके पास में तो कोई ये देखने का रूल नहीं बनता, लेकिन IRR का कंसेप्ट ये है आपके पास में, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ। रेट तो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे आपके पास में, दो रेट आपको गिवन है आपके पास में, देखेंगे एक से पॉजिटिव आएगा एक से नेगेटिव आएगा, तो क्राइटेरिया जो कंडीशन है वो आपके पास में ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार 12% से कैलकुलेट कर लिए, अभी पता चल जाएगा, 12% से कैलकुलेट करिए आप ज़रा, 12% से आपके पास में कैलकुलेट करेंगे, तो कहता है PV फैक्टर बता दीजिए, ठीक है, PV फैक्टर आपके पास में बता दीजिए, अभी पता चल जाएगा। कहता है PV फैक्टर आपके पास में कितना आएगा, तो कहता है PV फैक्टर 12% के हिसाब से, ईयर जीरो में तो ऑलवेज वन, आगे से बताएंगे सर, 1/1 + 12%, मतलब कि 1.12, तो 1/1.12 इज इक्वल टू, तो ये आपके पास में 0.8928, और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो सेकेंड ईयर का 0.7971, ठीक है, मल्टीप्लाई करके NPV निकाल लेंगे। सर NPV कितना आ रहा है, कहता है ये तो 1 lakh ही आपके पास में माइनस में दिखेगा, तो ये दिखा दिया। कहता है ये मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए, 60,000 × 0.8928, तो इज इक्वल टू आपके पास में 53,568 आ रहा है, और कहता है यहाँ पे 60,000 × 0.7971, तो ये आपके पास में आ रहा है 47,826। अच्छा यहाँ पे भी थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, यहाँ पे भी मुझे 12% की जगह हटाना पड़ेगा आपके पास में, मान लेते 12% नहीं लेंगे आप, 12% की जगह मैं ले लेता हूँ आपके पास में 14%, ठीक है, तो सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में बेसिकली कैलकुलेट करके दिया होता है, ये तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए थोड़ी सी गलती हुई। कहता है 12% नहीं, 14% के हिसाब से कैलकुलेट करिए, तो हो जाएगा एक NPV पॉजिटिव एक NPV नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 14% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो लिख दिया 14% के हिसाब से सबसे पहले PV फैक्टर, ईयर जीरो के लिए ऑलवेज वन, ईयर टू के लिए बताइए तो 1/1.14 इज इक्वल टू,
तो यहाँ पे आ जाएगा 0 आपके पास में 8771। ये और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे सेकेंड ईयर का 0.7694। मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, कहता है 60,000 इंटू 60,000 इंटू 0.8771। तो कहता है आपके पास में कितना आ रहा है, 60,000 इंटू 0.8771 इज इक्वल टू 52,000 आपके पास में आ रहा है, 625 या फिर 26, ठीक है। कहता है 52,626। इसके बाद सेकंड का निकाले 60,000 इंटू 0.7694, तो ये आपके पास में आ रहा है 46,164। तो कहते हैं आपके पास में कितना आ रहा है, आंसर दिखा लिए। कहते हैं आपके पास में ये आंसर आ रहा है 1,00,000 में से माइनस करेंगे तो माइनस में आ रहा है, माइनस में मतलब कि ब्रैकेट में दिखाएंगे 1,210, ठीक है, ये माइनस में आ रहा है। कहते हैं सेकंड क्राइटेरिया भी क्या मैच हो गया, आंसर इज यस। सेकंड क्राइटेरिया क्या था, एनपीवी निकालेंगे दोनों रेट से, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, दोनों रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और दोनों रेट से जैसे ही निकालेंगे एक से पॉजिटिव एक से नेगेटिव आ ही जाएगा आपके पास में, तो इससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप तो सिंपली क्या करेंगे सर, एनपीवी निकालेंगे दोनों रेट से, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव आ जाएगा। ये तो हमने यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल खुद से बना रहे, ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बदलना पड़ा, क्या ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे दोनों स्टेप हो गए, थर्ड स्टेप क्या है सर ये बताओ। थर्ड स्टेप फॉर्मूला पुट करो, जो भी वैल्यू निकली वैल्यू पुट कर दो। कहते हैं IRR का फॉर्मूला पुट करिए, IRR का फॉर्मूला आपके पास में जो है वो लिखना है, ठीक है। तो लिखिए ज़रा यहाँ पे फॉर्मूला पुट करिए और रेट निकालिए IRR का। कहते हैं IRR इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस NPV लेना है ऑफ लोअर रेट, डिवाइड बाई करना है सर NPV ऑफ लोअर रेट माइनस हायर रेट, NPV ऑफ लोअर माइनस NPV ऑफ हायर रेट, और मल्टीप्लाई करना है हायर रेट माइनस लोअर रेट वाला, ठीक है, जो चीज़ आएगी वो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सर। ये चीज़ तो आपके पास में एकदम से क्लियर है। अब कहते हैं सर लोअर रेट कितना है, सर लोअर रेट मतलब कि 8 और 14%, ये दोनों चीज़, ठीक है, लोअर और ये हायर परसेंट, जो बड़ा है वो हायर है, छोटा है वो लोअर रेट है, ठीक है, ये इसमें कौन सी बड़ी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। कहता है कि सर लोअर रेट कौन सा, 8%, मतलब कि यहाँ पे 8% लिख दो। कहता है 8% सर, ओके सर। प्लस कहता है NPV ऑफ लोअर रेट कितना है वो बताइए, ओके लोअर रेट तो मतलब कि 8% के NPV कितना है, 6,992। कहता है कि आगे NPV ऑफ लोअर रेट यहाँ पे 6,992 माइनस NPV ऑफ हायर रेट, कहता है कि ये तो माइनस में है सर, 1,210 माइनस में, ठीक है सर, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये तो बचपन का रूल है आपके पास में। और हायर रेट माइनस लोअर रेट, हायर रेट कितना है, कितना था 14% और आपके पास में माइनस 8 करेंगे, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है आपके पास में, ओके सर। कहते हैं 8% मतलब कि 0.08, हमेशा परसेंटेज को पॉइंट में ही लिखिए तो क्वेश्चन सोल्व करने में मज़ा आएगा, वरना कहीं ना कहीं आप गलती कर देंगे। जिसका मैथ्स जो है वीक है वो यहाँ पे एडवाइजेबल ये रहेगा कि सर आप ऑलवेज पॉइंट में लिखिए आंसर। इसके बाद यहाँ पे 6,992 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करके आंसर निकालिए, 6,992 प्लस 1,210, तो यहाँ पे 8,202 आपके पास में आ रहा है। और मल्टीप्लाई क्या करेंगे सर, ये आपके पास में 14 माइनस 8 मतलब कि 6% मतलब कि डिवाइड बाय 100 करके ये आंसर निकालिए, परसेंटेज में मत लिखिए, 0.06 आपके पास में, ठीक है, ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर। सॉल्यूशन कर दीजिए, देखिए सबसे पहले आपको पता ही है सर जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ होती है ये सबसे पहले सोल्व होती है, उसके बाद ऐड के आगे का चीज़ होता है, ठीक है। तो 0.08 अभी ऐसा ही रहने दीजिए, ये सोल्व करके आंसर निकालिए, 6,992 डिवाइड बाई 8,202 इनटू करेंगे 0.06, आपके पास में आंसर आ जाएगा 0.05114, ठीक है, जिसमें ऐड कर देंगे 0.08 तो आपके पास में आंसर आ जाएगा कितना, 0.1311, ठीक है, या फिर परसेंटेज में लिखे तो 13.11%। ये क्या आ गया सर, ये IRR रेट आ गया, ये IRR रेट आ गया आपके पास में बेसिकली। तो थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन होती है IRR की, लेकिन करनी पड़ती है अगर एग्ज़ाम पूछ रहा है आपके पास में, ठीक है, एग्ज़ाम में अगर आपके पास में पूछ रहा है तो ये आपको करना पड़ेगा। तो कहता है कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट जो है ये IRR रेट के इक्वल होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए, ठीक है, आपकी कॉस्ट इससे इक्वल होनी चाहिए या फिर इससे कम होनी चाहिए तो आपके पास में फ़ायदेमंद है। तो ये आपको रेट दे देता है बेसिकली, इनकम का रेट आपके पास में, इनफ्लो का रेट आपके पास में डायरेक्टली दे देता है कि आपके पास में कमा कितना रहा है। ये रेट पे अगर आप जो है, ये रेट वो निकल के आता है अगर आप इस अमाउंट को जो है
नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालिए इसकी, तो आपके पास में क्या होगा सर, इसका डिस्काउंट करें, बेसिकली वर्ड यूज करते हैं इसका डिस्काउंट करें, मतलब कि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालिए तो ऑलवेज जीरो आएगी, ठीक है, ऑलवेज आपके पास में जीरो आएगी। तो कहते हैं एक बार करके देख लीजिए, कहता है आपके पास में इस क्वेश्चन को 13.11% के हिसाब से एनपीवी निकालते हैं, तो देख लेते एक बार क्या सच में ऐसा हो रहा है। नियरली सेम होगा, बिकॉज यहाँ पे आयरर में आपके पास में परसेंटेज में थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, किसी का 14% आता है, किसी का 12% आता है, तो इसमें आगे पाछे आगे पीछे हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियरली सेम आपके पास में आएगा। देखिए ज़रा कितना था क्वेश्चन, 01 1,60,000 60,000, तो 1,00,000 का खर्चा था, ठीक है, 60,000 का फ़ायदा आपके पास में, 60,000 का फ़ायदा आपके पास। कहते हैं कि अगर इसे 13.11% के हिसाब से अगर पीवी फैक्टर कराया जाए और उससे मल्टीप्लाई करके एनपीवी निकाले जाए, तो कहता है ऑलवेज भी एनपीवी जीरो आएगा, नियरली जीरो आएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे नहीं मिलता आपके पास में। तो इसके एक रिस्ट्रिक्शन भी है आपके पास में, वही चीज़ कि एग्जैक्ट आपके पास में नहीं मिल पाता। तो कहता है नियरली सेम आ जाएगा, मतलब कि आप ये पहचान लगे कि हाँ जी एनपीवी ऑलमोस्ट आपके पास में जीरो आता है। कहता है कि सर जी पीवी फैक्टर निकालते हैं, सबसे पहले पीवी फैक्टर ईयर वन के लिए तो ऑलवेज भी वन, और करते हैं सर ईयर वन के लिए कितना आएगा सर, ईयर जीरो के लिए ऑलवेज भी वन, वन के लिए निकालिए, 1 / 1 + 13%, मतलब कि 13.11% है, तो 1 + 13.11% मतलब कि आपके पास में 1.1311, ठीक है, तो 1 / 1.1311 इज इक्वल टू, तो आपके पास में आंसर आएगा 0.8840, ठीक है। और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो सेकेंड ईयर का मिल जाएगा 7816। मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा सर, एनपीवी आपके पास में जो नेट अमाउंट आ जाएगी वो एनपीवी आ जाएगी। कहता है ये तो 1,00,000 × 1 आपके पास में 1,00,000 माइनस में, इसके बाद कहता है 60,000 × 0.8840, तो ये चीज़ आपके पास में आ जाएगी 53,040, और आपके पास में 60,000 × आप करेंगे 0.7816, तो ये आपके पास में आ जाएगा 46,896। तो ज़रा आंसर निकालिए, 1,00,000 माइनस में है, ठीक है, प्लस करेंगे 53,040 और प्लस करेंगे 46,896, तो ये आपके पास में आंसर देखेंगे 64, मतलब कि नियरली जीरो आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट हमारे पास में कैलकुलेटर होता है, ये कोई कंप्यूटराइज है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें नियरली आंसर क्यों आता है, क्योंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हम परसेंटेज लेते हैं वो आप देख ही रहे कि सर यहाँ पे पॉइंट के बाद बहुत सारे परसेंटेज होते हैं, तो एग्जैक्ट हम लेते तब जाके नियर आपके पास में, एग्जैक्ट नियर आपके पास में आंसर आता है जीरो एकदम, ठीक है। तो कंप्यूटराइज आपके पास में ट्रांजेक्शन किए जाते हैं तो आंसर जीरो आता है, कैलकुलेटर से ये आंसर एकदम से जीरो लाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये चीज़ तो आपके पास में क्लियर है कि सर एकदम से जीरो तो आ रहा है, जो आपकी इसका मतलब है सर, इसका मतलब वही है, IRR वो रेट बताएगा जिससे अगर आप प्रोजेक्ट का जो भी अमाउंट है उसके NPV निकालें तो वो ऑलवेज भी क्या आएगा सर, ऑलवेज भी आपके पास में जीरो आएगा, ठीक है, ऑलवेज भी क्या आएगा सर आपके पास में जीरो आएगा। तो ये चीज़ आपके पास में एग्जैक्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब मैं कह रहा था सर IRR हमने सीख लिया, एकदम से क्लियर है आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है, दो रेट क्वेश्चन में गिवन होंगे, कैसे किस तरीके से गिवन होंगे, कई बार 5-6 रेट दे देते उसमें से 2 सिलेक्ट करने होते, वो आपके पास में इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर का पार्ट है, तो वहाँ पर मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन करवाएंगे हम उस पर, ये तो सिंपली एग्जाम्पल क्वेश्चन करवाया, ठीक है, ताकि IRR दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए। तो कहता है दो रेट अभी के मान के चलिए कि सर क्वेश्चन में गिवन होंगे, दो ही रेट गिवन होंगे, उससे हमें क्या निकालना है सर NPV, और NPV निकालेंगे तो दो रेट उन्होंने दिए तो सीधी से बात है उन्होंने कैलकुलेशन करके ही दिए होंगे, एक पॉजिटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एक नेगेटिव, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन देखा, एक पॉजिटिव आ जाएगा एक नेगेटिव, आपको यहाँ पे कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो पहले दो स्टेप में तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन ही खुद बता रहा है, आपको सिंपली छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी है, पीवी फैक्टर निकालना है और मल्टीप्लाई करना है बस। थर्ड में आपको फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूले में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लोअर रेट हायर रेट वगैरह परसेंटेज में होते हैं, जिनका मैथ्स जो है वीक है आपके पास में तो वो परसेंटेज में नहीं लिखेगा, पॉइंट में ही लिखेगा, तो जल्दी से सोल्व हो जाएगा उनके पास। जिनका मैथ्स एकदम पावरफुल है तो उनको पता ही है कि परसेंटेज कम कैसे कंसिडर करना है, कैलकुलेटर में कैसे करना है, ठीक है, और जिनको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना वो आपके पास में पॉइंट में ही लिखो, परसेंटेज को थोड़ा सा इग्नोर कर दो, परसेंटेज को पॉइंट में लिखिए, ठीक है, बेसिकली जैसे कि मैंने करवाया। तो आपके पास में कहता है लोअर रेट प्लस करेंगे NPV ऑफ लोअर माइनस हायर से डिवाइड कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हायर माइनस लोअर, ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ आपके पास में सोल्व होगी, ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ आपके पास में, ये वाला पार्ट सोल्व होगा, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये सबसे पहले पार्ट सोल्व होगा, उसके बाद आप जो है लोअर रेट ऐड करेंगे लास्ट में, ठीक है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में किया। तो आपके पास में IRR एकदम से क्लियर है आपके पास,
ठीक है, IRR एकदम से क्लियर है। तो दो रेट ऑलवेज गिवन होते हैं, NPV निकालेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना, आंसर खत्म। तो IRR को स्टूडेंट यहाँ पे हार्ड कहते हैं, हार्ड मेथड बिल्कुल भी हमें यहाँ पे कुछ ऐसा लगा नहीं कि जो हार्ड है, ठीक है। रेट वो लोग देते हैं, NPV ऑटोमेटिकली आ जाता है प्लस और माइनस, और फॉर्मूला याद रखना है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो एकदम से सिंपल सा मेथड है, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में होती है IRR मेथड, क्लियर है। तो कहता है कि सर जी यहाँ पे IRR मेथड ही YTM मेथड है, लेकिन बस एक जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि IRR हम कब बोलते हैं, जब इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात होती है, जब इन्वेस्टमेंट, हमने जो ये क्वेश्चन लिया उसमें भी मैंने वही कहा कि सर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1 लाख का, फिर फ्यूचर में 2 साल में आपको 60,000 मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था। कहते हैं YTM वर्ड यूज़ करेंगे तो IRR ही है बेसिकली, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन YTM की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटीज़ की बात होती है, रिडिम्शन करना है वगैरह वगैरह चीज़ें, सिक्योरिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि आज हम सिक्योरिटीज़ परचेज करें, फ्यूचर में इतना इतना डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह कुछ मिलेगा, और फिर फ्यूचर में रिडिम्शन होगा तो इतना अमाउंट मिलेगा, तो फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान, IRR निकालिए, YTM निकालिए बेसिकली, ठीक है। तो YTM के हिसाब से एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, वहाँ पे सिक्योरिटीज़ की बात होती है और कुछ नहीं। कहते हैं कि सर जी एक क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन आपके पास में दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। कहते हैं कि एक कंपनी है, कौन है सर, एक कंपनी है, ठीक है, एक आपके पास में क्या है सर, कंपनी है। अब कंपनी ने जो है एक शेयर इनके इशू करे, इन्होंने एक शेयर इशू करे बेसिकली, ठीक है। क्या इशू करा है सर जी, शेयर इशू करे है, एक शेयर आपके पास में 1000 रुपीज़ का है, तो 1000 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इन्होंने इशू करे है, ठीक है सर, पर शेयर के हिसाब से ये 1000 के हिसाब से यहाँ पे इशू करे, ठीक है। आपने क्या किया, यू आपने जो है इस शेयर को परचेस करने के लिए सोचा है अभी, ठीक है। तो परचेस करने के लिए सोचते हैं तो सीधी सी बात है पूरी रूल्स एंड रेगुलेशन समझना पड़ता है कि 1000 रुपीज़ में ये इशू कर रहे हैं मतलब कि फिर आपके पास में कब रिडीम करेंगे वगैरह वगैरह से। ये आपके पास में जो प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा हूँ, सीधी सी बात है रिडीमशन की बात होती है तो सर प्रेफरेंस शेयर होता है, इक्विटी का तो रिडीमशन होता नहीं है बेसिकली। तो प्रेफरेंस शेयर आपके पास में सर, प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर, प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहा हूँ। कहता है कि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करे, एक शेयर की वैल्यू है 1000, आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि सर इसे परचेस करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, कलेक्ट करनी पड़ेगी, भाई रिडीम कितने में होगा, कब होगा, सारी चीज़ें। कंपनी कहती है कि सर ये प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम करेंगे 5 साल के बाद, ठीक है, 5 ईयर का पीरियड रहेगा, ठीक है सर, 5 ईयर्स के बाद आपके पास में ये आपके पास में पेमेंट हो जाएगा, मतलब कि हम वापस से ये प्रेफरेंस शेयर परचेस कर लेंगे और आपको उसके बदले पेमेंट कर देंगे, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज कहते हैं कि रिडीमशन कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 साल बाद इसका रिडीमशन हो जाएगा, और कंपनी कह रही है कि 1000 के बाद हम यहाँ पे कर देंगे, 1000 के बदले 1128 रुपीज़ पेमेंट करेंगे। तो 1000 में जो आज इशू कर रहे हैं, 5 साल बाद हम उसका रिडीमशन करेंगे 1128 में, ठीक है, 1128 रुपीज़ में हम इसका रिडीमशन करेंगे, क्लियर है एकदम से। कहते हैं प्रेफरेंस शेयर का जो परसेंटेज है वो मान लेते हैं आपके पास में परसेंटेज जो है वो 10% है, और आपको कहा है कि सर YTM निकालिए, ठीक है, YTM मेथड से इसका रेट निकालिए। अब देखिए YTM कहा है इसलिए, वरना तो नहीं कहता तो मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देता जो हमने पढ़ा था लास्ट आपके पास में लेक्चर्स में, ठीक है, जो समरी नोट्स में मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, अप्रोक्स मेथड जिसे हम फॉर्मूला मेथड कहते हैं, अभी फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल देता। बेसिकली ये प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला याद करेंगे सर, उसमें दो है, एक रिडीमेबल और एक इरिडीमेबल, हमें पता चल गया सर रिडीमेबल है, फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे YTM मेथड है तो YTM मेथड से ही सोल्व करना पड़ेगा। YTM मेथड मतलब कि सर आपके पास में स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, सबसे पहला स्टेप 1 कहता है दो रेट एज्यूम करेंगे, ठीक है, दो रेट आपके पास में एज्यूम करेंगे। कहता है स्टेप नंबर 2 NPV निकालेंगे, ध्यान रहे सर एक का NPV पॉजिटिव होना चाहिए, एक का NPV नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड आपके पास में कहता है, आपके पास में थर्ड पॉइंट कहता है आपके पास में IRR का फॉर्मूला पुट करो, ठीक है, IRR का फॉर्मूला पुट करेंगे, एकदम से क्लियर है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है आपके पास कि दो रेट जो कि मैंने कहा क्वेश्चन में गिवन होता है, मैंने कहा सर IRR के मेथड में, IRR का जब क्वेश्चन होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन
वहाँ पे आपको दो रेट गिवन होगे, यहाँ पे नहीं गिवन होगे। सर ये क्या कह रहे हैं, दोनों तो एक ही मेथड है। हाँ दोनों एक ही मेथड है, बेसिकली डिफरेंस वही है कि सर YTM मेथड का भी वर्ड यूज़ होता है जब हम सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करी प्रेफरेंस शेयर, तो तब आपके पास में YTM वर्ड यूज़ होता है, बाकी IRR यूज़ होगा इन्वेस्टमेंट में। तो दोनों एक ही मेथड है, तो फिर इसमें सर डिफरेंस क्यों है? मतलब कि YTM में दो रेट नहीं गिवन होंगे हमको एज्यूम करने पड़ेंगे, और IRR में दो रेट ऑलवेज गिवन होंगे, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि YTM में दो रेट जो आपको एज्यूम करने हैं वो आप खुद से निकाल पाते, IRR में नहीं निकाल पाते। सर कैसे निकालेंगे? बड़े आराम से देखिए, देखिए मैं कहता हूँ आपके पास में कि आपको पता है सर यहाँ पे YTM मेथड कहाँ है, इसलिए आप जो है यहाँ पे YTM मेथड अप्लाई कर रहे हैं, वरना तो डायरेक्ट अप्रोक्स मेथड यूज़ कर सकते थे, आंसर इज यस। तो मैं आपको ऑलवेज रिकमेंड करूँगा जब भी YTM मेथड आपको पूछा जाए, आप रफ में यहाँ पे नहीं, ठीक है, सॉल्यूशन में नहीं, रफ में कहीं कैलकुलेशन करेंगे, अप्रोक्स मेथड से इसका रेट निकाल के आएंगे। अप्रोक्स मेथड से सबसे पहले रेट निकालिए, अभी समझ आ जाएगा मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूँ। अप्रोक्स मेथड से इसका फॉर्मूला क्या आएगा सर? रिडीमेबल आपके पास में प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला होगा। क्या फॉर्मूला होगा? कहता है कि सर आपके पास में KP आपके पास में प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू आपके पास में PD प्रेफरेंस डिविडेंड, जिसमें ऐड करेंगे सर RV माइनस NP डिवाइड बाई N। फॉर्मूला याद है ना? ठीक है, फॉर्मूला आपके पास में याद होना चाहिए, RV प्लस NP डिवाइड बाई 2, यही फॉर्मूला था। वैल्यू पुट करके आंसर निकालिए ज़रा। कहता है प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? कहता है कि सर 10% ऑफ फेस वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा है तो हम कहेंगे कि सर ये फेस वैल्यू है 1000 पर शेयर के हिसाब से, फेस वैल्यू है आपके पास में, तो सर 1000 का 10% 100, तो प्रेफरेंस डिविडेंड 100 है, ठीक है। प्लस आपके पास में रिडीमशन वैल्यू कितनी है, कितने में रिडीम होने वाला है? कहता है 1128, तो रिडीम 1128 में होने वाला है। बताइए सर नेट प्रॉफिट कितना है? सर यहाँ पे तो 1000 का शेयर है, 1000 में इशू करा है, इशू प्राइस कितनी है सर? 1000, तो नेट प्रॉफिट भी 1000 आपके पास में। डिवाइड बाय क्या करेंगे सर? नंबर ऑफ ईयर, कितने साल में रिडीम होने वाला है? क्वेश्चन में कहा है 5 साल, ठीक है, तो 5 साल, और डिवाइड बाय कर देंगे आपके पास 1128 प्लस 1000 डिवाइड बाय 2। सॉल्यूशन करके इसका परसेंटेज निकालिए, ये रफ में कैलकुलेशन करेंगे बेसिकली आप। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कुछ 11 आपके पास में 80% जैसा कुछ आएगा, ठीक है, 11.80% जैसा कुछ आएगा, ठीक है। सबसे पहले इतना सॉल्यूशन करके आइए, पहले किया कैलकुलेट, आ रहा है आपके पास में आंसर, ठीक है, 11.80%, ठीक है। ये कहाँ पे कैलकुलेशन करना है, क्या आंसर में ये कैलकुलेशन करना है? आंसर इज नो, ये रफ वर्क करना है, ठीक है, कहीं और आप लास्ट पेज भी कर लीजिए, कहीं पे भी कर लीजिए, ये आंसर में शो नहीं करना है, क्योंकि आंसर आपको YTM मेथड से पूछा है, अप्रोक्स मेथड से नहीं किया, ठीक है। अप्रोक्स मेथड से पूछा होता तो हम ये करते, और कुछ भी नहीं बोलता होता तो हम ये कर लेते, फॉर्मूला मेथड बेसिकली अप्रोक्स मेथड। लेकिन यहाँ पे क्या क्लियरली पूछा है सर? YTM मेथड से आपको आंसर निकालना है, YTM मतलब कि RRR मेथड, IRR बेसिकली, ठीक है। तो IRR मेथड से आपके पास में कैलकुलेशन करना है रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल वाला, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली। तो कहते हैं सर जी आपको ये कैलकुलेशन रफ में करनी है। सर ये तो बताइए कि ये कैलकुलेशन रफ में करनी क्यों है, क्योंकि अप्रोक्स मेथड से तो सर पूछा नहीं, तो अप्रोक्स मेथड से कैलकुलेशन करके आंसर निकालने का फ़ायदा क्या, और ऊपर से वो भी रफ में करना है, तो इसका तो कोई नंबर नहीं है, यही साबित करना चाहते हो? बिल्कुल, इसके कोई नंबर नहीं है, इसलिए तो आपको ये रफ में कैलकुलेशन करनी है। आंसर में कहीं पे भी ये कैलकुलेशन दिखनी ही नहीं चाहिए अपने को। YTM से पूछा है, YTM का ही सॉल्यूशन दिखना चाहिए, अप्रोक्स मेथड का सॉल्यूशन कहीं पे भी सॉल्यूशन में नहीं दिखना चाहिए, ये आपको रफ में काम करना है। सर जी एक बात बताइए, रुकिए ज़रा, हाँ बताइए। कहते हैं कि सर इसका पूछा नहीं आंसर, बराबर, हाँ एकदम बराबर सर, YTM से पूछा है, बराबर, बिल्कुल सर बराबर, YTM से पूछा है। कहते हैं सर YTM के लिए 3 स्टेप फॉलो करने और आंसर निकालने, बराबर, हाँ बिल्कुल बराबर। तो सर हमारा और एक आंसर दे दीजिए क्वेश्चन का, पूछिए ज़रा। कहते हैं सर फिर ये कैलकुलेशन करवा क्यों रहे, वो भी रफ में कैलकुलेशन करवा रहे, ठीक है। तो गौर करिएगा, ये कैलकुलेशन करवा क्यों रहा हूँ मैं, पूछा नहीं है फिर भी हम रफ में ये कैलकुलेशन कर क्यों रहे अप्रोक्स मेथड से बेसिकली? इसका कारण ये है सर कि मैंने आपको एक चीज़ कही कि जब IRR कैलकुलेशन पूछा जाएगा तो उसका रेट जो है, दो रेट आपके पास में, वो ऑलवेज आपके पास में क्वेश्चन में गिवन होगा,
क्वेश्चन में से उठाना है और कैलकुलेशन कर देनी है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाया जहाँ पे मैंने आपको दो रेट ऑलरेडी गिवन थे, कौन से सर 8% और 14%, इस तरीके से गिवन होगा, कैलकुलेशन करिए, आंसर निकालिए, काम ख़त्म करिए। लेकिन जब मैं बात करता हूँ सर YTM से पूछा जाएगा, सर YTM और IRR तो दोनों एक ही है ना सर? बिल्कुल एक ही है। लेकिन मैं जब कहता हूँ कि सर YTM से पूछा जाएगा, मतलब कि कंपनी के सिक्योरिटी का क्वेश्चन होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेसिकली चैप्टर, और IRR पूछा जाएगा मतलब कि आपके पास में इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर का क्वेश्चन होगा। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर का जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात होती है, और YTM में आपके पास में सिक्योरिटीज़ की बात होती है, मेथड दोनों एक ही है, लेकिन जब वर्ड चेंज होता है तो उससे आपके पास में चीज़ें भी चेंज हो जाती है। YTM पूछा जाएगा तो सिक्योरिटीज़ का क्वेश्चन होगा, और IRR होगा तो इन्वेस्टमेंट की बात होगी। तो इन्वेस्टमेंट का जो क्वेश्चन पूछा जाता है IRR बेसिकली, वहाँ पे रेट गिवन होगा आपके पास में। लेकिन YTM से जब पूछा जाएगा तो रेट गिवन नहीं होगा, और इसी के लिए आपके पास में ये कैलकुलेशन रफ में करना ज़रूरी है, ठीक है, अप्रोक्स मेथड से, मतलब कि फॉर्मूला पुट करिए, रेट निकालिए। ये रेट निकालने से फ़ायदा क्या हो गया, ये रेट निकालने से ये आपके पास में आंसर आ गया। याद करिए, मैंने एक चीज़ आपके पास में लिखवाई थी समरी नोट्स में, अगर आपको समरी नोट्स याद है, तो जब मैंने ये आपके पास में कहा कि येल्ड टू मैच्योरिटी मेथड क्या है, बेसिकली IRR मेथड ही है, कोई फ़र्क नहीं है आपके पास में, और ये चीज़ मैंने लिखवाते वक्त आपको एक कहा था कि सिक्योरिटी की कॉस्ट आपको दो तरीके से निकाल सकते हैं, अप्रोक्स मेथड से, जिसे हम फॉर्मूला मेथड कहते हैं, और दूसरा YTM मेथड से। और यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि अप्रोक्स मेथड से क्वेश्चन सोल्व करिए या फिर YTM से, दोनों का आंसर रियल में आपके पास में सेम ही आता है, ठीक है। अगर इसका 12% आ रहा है तो इसका हो सकता है 11.5%, मतलब कि नियरली आपके पास में सेम ही आएगा। नियरली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम जो है पॉइंट के बाद के जो परसेंटेज पीवी फैक्टर वगैरह करते हैं, तो उसमें आपको याद होगा सर हम 4 लेते हैं, 3 लेते हैं डिजिट, ठीक है, अपने हिसाब से लेते हैं। बल्कि कैलकुलेशन यहाँ पे अगर कंप्यूटराइज करा जाए तो वहाँ पे तो पूरे पूरे अमाउंट कंसीडर होते, तो वहाँ पे अगर कंप्यूटराइज कैलकुलेशन हो तो दोनों का आंसर 12% 12% इस तरीके से आता है, ठीक है, सेम ही आता है बेसिकली, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये तो अपने कैलकुलेटर के हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए नियरली मैं बोल रहा हूँ सेम आते हैं आपके पास में, ठीक है। लेकिन जब कंप्यूटराइज कैलकुलेशन होता है तो दोनों का आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ कर ली, क्या हमने यहाँ पे करा सर, हमने जो है YTM मेथड से आंसर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि दो रेट एज्यूम करने, ठीक है, और दो रेट का बीच का आंसर कहीं ना कहीं आता है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ तो मैं क्लियर कर दूँ, जो दो रेट आपके पास में होते हैं उसके बीच में कहीं IRR आता है, आप ऑलवेज ध्यान रखिएगा सर। 8% से आपके पास में प्लस में आंसर आया, 14% से आपके माइनस में आया, ठीक है, इसके बीच में कहीं ऐसा रेट होगा जहाँ पे NPV ज़ीरो आएगा सर, बिल्कुल ये तो समझ में आता है सर, ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर है। जैसे जैसे रेट बढ़ाते जाओगे, बड़ा रेट एज्यूम करते जाते हो, NPV नेगेटिव आता है, ये चीज़ हम ऑलवेज याद रखना। मैं अभी नोट्स समरी नोट्स में सारी चीज़ें लिखवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेट जितना बड़ा एज्यूम करेंगे, जितना आगे जाएंगे उतना NPV नेगेटिव जाता है, और जितना पीछे आएंगे, ठीक है, 14, 10, 9, 8, 5, तो इतना NPV बढ़ता जाता है, आपका प्लस में चला जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ ऑलवेज ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा रेट एज्यूम करोगे आपके पास में NPV माइनस में आएगा, और जितना छोटा एज्यूम करोगे आपके पास में प्लस में आएगा, ठीक है, और उन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं, प्लस और माइनस के बीच में ही कहीं ना कहीं ज़ीरो आता है, ये तो चीज़ आपको क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है एकदम। कहते हैं कि उन्हीं के बीच में आपके पास में रेट आता है, तो इसका आंसर भी देखो तो बीच में ही आएगा आपके पास में 13.11, तो 8 और 14 के बीच में ही ऑलवेज आता है, क्या ये चीज़ क्लियर है आपके पास में? तो अगर हम ये यहाँ पे दो एज्यूम करेंगे तो उसके बीच का ही आंसर आना चाहिए, और आंसर तो वैसे भी पता चल गया सर, रफ में वर्किंग कर ली अपने के, ठीक है, और आंसर तो इसका पहले से ही हमने डिसाइड कर लिया। तो ये आपके पास में एक ट्रिक रहती है, ये भले ही YTM से पूछा है, हम अप्रोक्स मेथड से इसका आंसर पहले फाइंड आउट कर लेंगे कि लास्ट आंसर फॉर्मूला पुट करने से आपके पास में आंसर इसके नियरली आएगा, नियरली 12% या फिर 11.50% ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। हमारा क्या आया सर 11.80%, तो IRR से भी, मतलब कि YTM मेथड से भी आंसर इसके नज़दीक ही आएगा क्योंकि दोनों के आंसर तो सेम ही रहते हैं, ये आपके पास में बेनिफिट है। तो कहता है सर YTM में हम रेट नहीं देंगे, तो हम कहेंगे कि नहीं चाहिए अपने को रेट, अपने को नहीं चाहिए रेट, क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं देगा तो नहीं चाहिए अपने को। तो कैसे डिसाइड करेंगे, सीधी सी बात है, जो आंसर निकल के आया उसका एक अगला और एक पिछला आपके पास में रेट एज्यूम कर लो, आपके पास में काम हो जाएगा, ठीक है, एक आगे का और एक पीछे का रेट एज्यूम कर लो, काम ख़त्म हो जाएगा सर। कैलकुलेट करके देख लेते एक बार, कर बताइए
कितना आंसर आया सर? 11.80%। ये आपको पता है ना सर, रफ में कैलकुलेशन किया, आंसर में नहीं किया है, ठीक है? ये चीज़ क्लियर है। जब मैं अभी आईसी मॉड्यूल के क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहाँ तो परफेक्ट कैलकुलेशन करवाऊंगा। ये तो मैंने रफ पेज कर लिया है आपको कॉन्सेप्ट कवर करवाने के लिए। इस पर तो क्वेश्चन अभी करवाने हैं मेरे पास में, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी ना कंसेप्ट ख़त्म हो गया, ये लेक्चर इसलिए है कि इसका कंसेप्ट बताया जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अभी हम लेक्चर नंबर 3 भी स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, तो कहते हैं कि सर ये जो आंसर आया उसके एक दो आगे के एक दो पीछे के रेट एज्यूम कर लेना, काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ दो दो ले लो, काम खत्म हो जाएगा, दो दो ऑलवेज रखो, ठीक है? ये आपने रफ में कैलकुलेशन करी, 11.80% मतलब कि 12% आपके पास में आया आंसर, नियरली 12%, ठीक है? तो 12% के दो आगे का मतलब कि 10% ले लेते हैं, और दो पीछे का सर 14% ले लेता हूँ। कैलकुलेशन कर लो, आंसर हो जाएगा आपके पास में, आंसर आ जाएगा IRR से, काम खत्म हो गया सर अपने पास में। कहते हैं दो रेट एज्यूम करो, रेट एज्यूम कर लिए 10% और 14%, इन्हीं के बीच में आएगा, और इन्हीं से आप देखेंगे एक प्लस में और एक माइनस में भी आ जाएगा आपके पास में, ठीक है? क्योंकि अपने को पता है सर 11.80 पे NPV 0 आएगा, ठीक है? मतलब कि 12% पे NPV क्या होगा सर? 0, ठीक है? यही आपके पास में आंसर है, आपके पास में पता ही चल गया सर, नियरली सेम ही आएगा आपके पास में, ठीक है? तो कहता है 12% पे अपना आंसर 0 आने वाला, वो तो पक्का हो गया। इससे पहले जाओगे तो आंसर प्लस में होगा, इसके राइट साइड जाते हुए तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ सर 10% से NPV पॉजिटिव ही आएगा, देख लेना, और 14% से नेगेटिव ही आएगा, ठीक है? ये भी अपने को पता है, ठीक है? क्योंकि राइट साइड जितना जाओगे, जितना राइट साइड 14, 15, 20, 25, 50%, इतना NPV माइनस में बढ़ता जाएगा, और जितना लेफ़्ट साइड आओगे 10, 5, 4, 1, ठीक है, तो इतना पॉजिटिव आंसर बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव होता है जितना राइट साइड जाते हो, राइट साइड मतलब कि आपके पास में ये स्क्रीन के राइट साइड, ठीक है? अपने राइट साइड मत देखना, ये स्क्रीन के इस तरफ बेसिकली, यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ राइट साइड 14, 15 इस तरीके से, तो माइनस आंसर बढ़ेगा, ठीक है? ऑलवेज ध्यान रखिए, जितना राइट साइड चलते हो माइनस IRR में, ठीक है? जितना राइट साइड रेट एज्यूम करोगे उतना माइनस आपके पास में बढ़ता जाएगा। तो कहीं से फॉर एग्जांपल आपके पास में NPV पॉजिटिव आया और आपको अब नेगेटिव चाहिए, तो राइट साइड का आपके पास में परसेंटेज एज्यूम करोगे, ठीक है? ये चीज़ क्लियर है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये चीज़ क्लियर भी नहीं है तो भी, ठीक है? आइए, दो रेट एज्यूम कर लिए, ये तो समझ में आया कैसे दो रेट एज्यूम करें, ये क्लियर है। तो सबसे पहला स्टेप तो हमने कर लिया भाई, दो रेट एज्यूम कर लिया। सेकेंड क्या कहता है? कहते हैं NPV निकाल लीजिए इन दोनों से, एक पॉजिटिव आना चाहिए एक नेगेटिव, अभी निकाल लेते हैं भाई। सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन थी बताइए सर, ईयर मुझे बताइए, फॉर्मेट फिक्स रहेगा सर, ईयर लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, और अमाउंट को पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रहे सर, पी फैक्टर दो दो आपके पास में, 10% से NPV निकालना है, 14% से, ठीक है? ईयर बता दो कितने साल है, कहते हैं 5 साल, लेकिन ईयर आपके पास में ध्यान रखना 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि आज खर्चा तो करना पड़ेगा, इनकम ऐसे ही थोड़ी ना होगी। तो कहता है खर्चा जो प्रेजेंट में करते हो ईयर 0 पे होता है, तो 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है? आपके पास में 5 साल थे ना, हाँ 5 साल थे आपके पास में, 5 साल की लाइफ, काम खत्म। अब मुझे बताइए खर्चा कितना करना है। कहता है कि सर कंपनी 1000 में शेयर इशू कर रही है, आप परचेस कर सकते हैं 1000 में, तो खर्चा 1000 होने वाला है, बिल्कुल सर। तो ईयर 0 पे 1000 का खर्चा होने वाला है, खर्चा है तो माइनस में दिखाएंगे, बिल्कुल सर। और इनका PV फैक्टर ऑलवेज 1, ईयर 0 पे PV फैक्टर ऑलवेज 1। PV फैक्टर स्टार्ट कहाँ से होता है सर? ऑलवेज ईयर 1 से स्टार्ट होता है, ईयर 0 के लिए ऑलवेज 1। यस सर, यस इज क्लियर आपके पास में, ठीक है? अच्छा, हर साल डिविडेंड इनकम होगी, प्रेफरेंस शेयर है तो डिबेंचर होगा, तो इंटरेस्ट इनकम, जितनी इनकम है आपके पास में लिख लीजिए। कितनी इनकम होने वाली सर? 10% कहता है। 10% किसका होता है सर? प्रेफरेंस डिविडेंड किस पे होता है? ऑलवेज फेस वैल्यू पे, 1000 का, तो 100 रुपीज़ हर साल मिलने वाले, ठीक है सर? पाँचों साल मिलेगी, बिल्कुल सर, 100 100 100, ये चीज़ भी क्लियर सर। इसके बाद कहता है सर फिफ्थ ईयर में तो रिडीम्पशन होने वाला है, तो 100 रुपीज़ वो तो डिविडेंड का मिलना है, वो तो ठीक है, साथ ही साथ इसका पेमेंट भी मिल जाएगा। कितना पेमेंट मिलने वाला है? कहता है 1128 रुपीज़, ठीक है? ये पेमेंट भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है सर? तो पाँचवें साल तो दो दो चीज़ें मिलने वाली है, प्रेफरेंस डिविडेंड तो मिलना ही है, 1128 रिडीम्पशन वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे अमाउंट कितना बन जाएगा सर? कहता है 1128 प्लस 100 आपके पास में, तो कहता है 1228। यस सर, ये चीज़ भी क्लियर है, और ये सारी चीज़ें रुपीज़ में है,
ठीक है सर, कहते हैं सर अब इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं आपके पास में। कैलकुलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, देखिए कहते हैं सबसे पहले तो एक काम करते हैं, 10% से ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10% का पीवी फैक्टर लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा सर। पीवी फैक्टर हेडिंग दे देंगे, ठीक है, पीवी फैक्टर, और ऊपर लिख देंगे 10% के लिए पीवी फैक्टर लिखा है। ईयर वह जीरो के लिए कितना होगा सर, 0.? नहीं सर, 0.0 नहीं होगा, 1 होगा। ऑलवेज ईयर जीरो के लिए पीवी फैक्टर 1 होगा, क्योंकि ईयर जीरो के लिए कोई पीवी फैक्टर होता ही नहीं आपके पास में, ऑलवेज 1, क्योंकि ईयर जीरो का मतलब है ऑलरेडी ये प्रेजेंट में ही है। उसकी क्या ही प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, वो खुद प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है सर। अब ईयर 1 से पीवी फैक्टर स्टार्ट होते हैं, फॉर्मूला पुट करेंगे 1/1 r^n। तो 1/1 r मतलब कि 1.1, 1+10% मतलब कि 1.1, तो 1/1.1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ रहा है 0.9090, ठीक है सर, 0.9090। और एक बार इक्वल टू प्रेस करूँगा, सेकेंड ईयर का मिल जाएगा 0.8264। इसके बाद इक्वल टू प्रेस करते जाएंगे, आगे आगे मिलता जाएगा, जितने भी साल चाहिए इक्वल टू प्रेस करते जाओ, लिखते जाओ, काम खत्म है, ठीक है सर। 7513 इक्वल टू 0.6830 इक्वल टू 0.6209। ये चीज़ आपके पास में क्लियर, ओके। अब सिंपली पी फैक्टर से अमाउंट मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू आपके पास में, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू हेडिंग दे दीजिए, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। आउटफ्लो में से इनफ्लो माइनस कर देंगे, बेसिकली इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए सर, 1000 × 1000 × 1 मतलब कि आपके पास में 1000 ही आएगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। इसके बाद अब मल्टीप्लाई करते जाइए, 100 × 0.9090 कहता है इज इक्वल टू 90.9। इसके बाद 100 × 0.8264 तो ये आपके पास में 82.64, ठीक है। कहता है 100 × 0.7513 तो आपके पास में 75.13, ठीक है। 100 × 0.6830 तो कहता है 68.3, और कहता है 1228 है इस बार तो, ठीक है। तो 1228 × 0.6209 इज इक्वल टू, तो आपके पास में आ जाएगा 762. आपके पास में 46, ठीक है। और GT प्रेस कर देंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 1079.43। ये प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव NPV, ठीक है। 10% से पॉजिटिव आए, वैसे पहले भी मैंने कह दिया था 10% से पॉजिटिव आएगा, 14% से नेगेटिव आएगा, देख लेना। सीधी सी बात है, उसका रूल भी मैंने, लॉजिक भी बता दिया। सीधी सी बात है, 12% पे जीरो आने वाला, ये तो अपने को पता चल गया, 12% के नज़दीक बेसिकली 11.80% वगैरह वगैरह चीज़ें, तो आंसर तो यही आने वाला है IRR का, ये भी पता चल गया। अब इसके लेफ्ट साइड जाते हो तो पॉजिटिव NPV चलता है, और राइट साइड जाते हो तो NPV नेगेटिव चलता है। इसके नहीं, बेसिकली यही रूल है आपके पास में, कहीं पे भी आप जो है मान लेते हैं सर 9% से कैलकुलेशन किया, NPV पॉजिटिव आ गया, अब आपको नेगेटिव चाहिए तो किस तरफ जाना सर, राइट साइड जाना, ठीक है। राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये चीज़ें, ये सिंपल रूल है इसका, बेसिकली यहाँ पे ऐसा कोई बेसिकली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल सा रूल है कि राइट साइड जितना जाओगे NPV नेगेटिव चलता है, ठीक है सर। कहते हैं सर यहाँ पे आपके पास में आगे कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, ये रूल का मैंने यूज़ करा था कहीं पे, आपको पता हो तो सर, ये रूल का मैंने यूज़ करा था, राइट साइड जाते हो तो आपके पास में क्या होता है सर, नेगेटिव। यहाँ पे जब ये क्वेश्चन करवा रहा था, याद करिए सर, मैंने यहाँ पे 12% लिया था, और 12% से मैंने कैलकुलेशन किया तो मुझे पता चला सर NPV तो पॉजिटिव आ गया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले से बना नहीं रखा था, आपके साथ साथ यहीं पे क्वेश्चन खुद से बना रहा हूँ, ठीक है। तो खुद से क्वेश्चन बना रहा हूँ तो 12% से जैसे ही पॉजिटिव आ गया, मैंने दिमाग में बत्ती जल गई कि सर 12% से पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और मैंने अमाउंट देखा सर, अमाउंट जो है वो नियरली आपके पास में 200-300 आ रहा था, मतलब कि थोड़ा सा अगर आगे बढ़ूंगा तो तुरंत नेगेटिव आ जाएगा, तो तुरंत मैंने दिमाग में बत्ती जलाई
और तुरंत मैंने क्या कह दिया, सर 12% रहने दो 14% ले लो। तो ये वही कंसेप्ट अप्लाई किया, कोई नया कंसेप्ट नहीं है आपके पास में। 8% से पॉजिटिव आया, सर बिल्कुल 12% से मैंने देखा कि 12% से पॉजिटिव आया, लेकिन छोटा सा अमाउंट था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो तुरंत मुझे पता चल गया कि थोड़ा सा ही राइट सर जाऊँगा, राइट साइड जाऊँगा तुरंत नेगेटिव आ जाएगा। तो तुरंत दिमाग लगाया, तुरंत 14% ले लिया, नेगेटिव आ गया। तो यही रूल अप्लाई किया था, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 8% से पॉजिटिव आया, तुरंत मैंने राइट साइड चला गया आपके पास में, 12% लिया, 12% से पता चला सर पॉजिटिव आ रहा है लेकिन छोटा सा अमाउंट, मतलब कि मुझे पता चल गया कि और थोड़ा सा ही जाऊँगा राइट साइड, तुरंत नेगेटिव आ जाएगा। तो यही काम किया था, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे वही अप्लाई किया था। कोई बड़ा कॉन्सेप्ट क्या या फिर महाज्ञानी तो नहीं है हम वही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं जो आपको भी पता है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके मैंने क्वेश्चन बना लिया आपके पास में। तो क्वेश्चन कैसे बनाए वो भी आपको पता चल गया आपके पास में, ठीक है सर। 14% से कैलकुलेशन कर लेते हैं, 14% से पीवी फैक्टर आपके पास में, ठीक है। तो 14% से पीवी फैक्टर ईयर ज़ीरो पे तो ऑलवेज 1, इसके बाद बताइए सर 1 डिवाइड बाई 1.14, तो इज इक्वल टू प्रेस करा तो आपके पास में पीवी फैक्टर निकल के आ जाएगा 0.8771। इक्वल टू प्रेस करेंगे 0.7694। इक्वल टू प्रेस करेंगे 0.6749। इसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे 0.5920। इसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे 0.5193। ओके सर, इसकी प्रेजेंट वैल्यू या फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू हेडिंग दे दीजिए कोई भी, ठीक है। वैसे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ले सकते हैं आपके पास में। कहता है 1000 अमाउंट इनटू पीवी फैक्टर करना है, ठीक है। ये तो सेपरेट आपके पास में हो गया, अमाउंट इनटू पीवी फैक्टर 1000 माइनस है इनटू 1000 माइनस ही आएगा। इसके बाद कहता है 100 इंटू 0.8771, तो यहाँ पे आपके पास में 87.71 आपके पास में। इसके बाद क्या था आपके पास में, अच्छा यहाँ पे मैंने इसका टोटल लिख दिया, 1000 माइनस नहीं किया होगा आई थिंक यहाँ पे 700, अच्छा माइनस नहीं किया है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई सर जी। यहाँ पे 1000 ये नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ ये इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू मैंने टोटल लिख दिया सिंपली GT प्रेस करके, ठीक है, बात दिमाग में नहीं रही। तो 1000 माइनस करके लिखना है ना, तो यहाँ पे 1079.43, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इसी का ही टोटल आया ना, एक बार रुक जाइए ज़रा, मैं इसका टोटल लगा के देख लेता हूँ। 1000 माइनस है, प्लस करेंगे 19.09, 19.9 है, 82.64, 75.13, प्लस 68.3, प्लस 762.46, ओके यहाँ पे, हाँ रेडी यहाँ पे 79. वही सही है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इनफ्लो का आपके पास में कैलकुलेशन कर लिया था, यहाँ पे 79.43 है, ठीक है सर। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ इनफ्लो का टोटल लिख लिया था, गलती कर दी थी, ठीक है। वही मैं सोचूँ इतना बड़ा सा पॉजिटिव आंसर कैसे आया, पॉजिटिव आना तो वो तो तय ही था, पॉजिटिव आएगा वो तो पक्का पता ही था, बस इतना बड़ा क्यों आया वो मैं सोच रहा था, ठीक है अब सही है। इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे थे, बताइए जल्दी से, 1000 इंटू 1 कर दिया तो 1000 ही आए, 100 इंटू आपके पास में 0.8771 किया तो आपके पास में 87.71 आए, फिर 100 इंटू आपके पास में 0.7694 तो यहाँ पे 76.94। इसके बाद 100 इंटू आपके पास में क्या करना है, 0.6749 तो यहाँ पे 67.49। 100 इंटू आपके पास में 0.5920 तो इज इक्वल टू आपके पास में 59.2। इसके बाद यहाँ पे 1228 है इस बार, इंटू करेंगे आपके पास में 0.5193 तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा 637. आपके पास में 70 तो NPV निकाल लीजिए, GT प्रेस करा तो मैंने आप पास में ये आंसर आ जाएगा और 1000 में से माइनस कर दूंगा आपके पास में, तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ रहा है 70.959, ठीक है 96 आपके पास में कह सकते हैं, 70.96, तो ये भी आपके पास में रुपीज़ में है सारी चीज़ें।
ठीक है लीजिए जी। तो कहते हैं कि सर एनपीवी से एक पॉजिटिव आना चाहिए, एक नेगेटिव आना चाहिए, ये नेगेटिव आ गया आपके पास में, एक पॉजिटिव आ गया, काम खत्म हो गया। अब क्या करना है, कहते हैं सर थर्ड स्टेप IRR का फॉर्मूला पोट करिए और कैंसिल करिए आपके पास में कैलकुलेशन को, ख़त्म करिए बेसिकली। तो सिंपल से IRR का फॉर्मूला करेंगे, IRR इज इक्वल टू आपके पास में, सर यहाँ पे YTM नहीं लिखना आया, यहाँ पे तो आपके पास में IRR ही लिखना है, ठीक है, यहाँ पे तो आपके पास में IRR ही लिखना है। तो बेसिकली ये चीज़ आपके पास में क्लियर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली YTM मेथड कुछ नहीं है, IRR से डिराइव करा गया बेसिकली। तो ये फॉर्मूला तो IRR की इज इक्वल टू ऐसा ही करेंगे आपके पास में, क्लियर है। कहते हैं कि सर लोअर रेट लेना है, इसमें ऐड करना है सर NPV ऑफ लोअर, फॉर्मूला रट लेंगे आप एकदम से, ठीक है, NPV ऑफ लोअर आपके पास में, जिसमें से माइनस करेंगे NPV ऑफ हायर, और आपके पास में हायर इनटू आपके पास हायर माइनस लोअर कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आपके पास में फॉर्मूला। वैल्यू पुट करेंगे अभी, आंसर आपके पास में लोअर रेट कितना है 10%, बिल्कुल 10% है आपके पास में, 14% हायर है, ठीक है। तो 10% मतलब कि 0.1 पॉइंट में ही लिखूंगा, क्योंकि मेरा मैथ्स वीक है, ठीक है, मुझे मैथ्स नहीं आता बेसिकली, तो मैं तो नहीं लिखूंगा वो परसेंटेज, मैं तो डायरेक्टली ऐसे ही लिखूंगा। मैंने पहले ही एडवाइस कर दी, जिनका मैथ्स वीक है वो चीज़ आप क्या करेंगे सर परसेंटेज में लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि बाद में कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो पहले से ही आप जो है परसेंटेज को कन्वर्ट करके लिखेंगे, बिल्कुल क्लियर है आपके पास में, ठीक है। तो मेरा मैथ्स क्या है सर, वीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ सर, डायरेक्ट पहले से ही कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए पॉइंट में लिख रहा हूँ। सर आपका मैथ्स वीक है, हाँ जी बिल्कुल मेरा मैथ्स वीक है। सर फिर भी आप पढ़ा रहे, बिल्कुल मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ। फिर भी सर आप सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल सर करामत है आपके पास में, ठीक है, आपके पास में मैजिक कह सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से आपके पास में 10% से लोअर रेट से कितना आया NPV, 79.43 पॉजिटिव। इसके बाद आपके पास में यहाँ पे तो कॉपी पेस्ट लोअर 79.43 माइनस करेंगे 70. आपके पास में 959 और ये माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज़ भी अपने को पता था। लोअर रेट कितना है 0.14 और हायर मतलब हायर माइनस लोअर करना है ना, तो यहाँ पे 1, ठीक है। तो जल्दी से सोल्व कर देंगे सर, ये तो लास्ट तक ऐसा ही रहेगा, ये पहले सोल्व करना है आपको। तो 79.43 ये तो रहेगा, नीचे का ऐड करके आंसर निकाल लो, 79.43 प्लस 70.959 इज इक्वल टू 150 आपके पास में 0.389, और कहता है ये आपके पास में 0.14 माइनस 0.1, तो कहता है ये आपके पास में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.04। तो ये डिवाइड बाय करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ रहा है 0.1 प्लस आपके पास में कर दो आंसर 79.43 डिवाइड बाय 150.389, जो भी आंसर आए मल्टीप्लाई 0.04, तो इज इक्वल टू आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में आएगा 0.021126, ठीक है, इतना कुछ आएगा, इसमें ऐड कर देंगे 0.1, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 12.11%। 0. आप पॉइंट में भी लिख के आएंगे, मैंने ऑलवेज कहा है सर आप परसेंटेज को पॉइंट में भी लिख के आएंगे, परसेंटेज में भी लिख के आएंगे, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वहाँ पे ऑलवेज एग्जाम में दोनों चीज़ें 0.1211 ऐसा लिख के आएंगे और 12.11% ऐसा भी लिख के आएंगे, दोनों आंसर लिख के आएंगे। मैं लिख ही देता हूँ वरना फिर कहेंगे कि क्या है, 0.1211 भी लिख के आएंगे, पॉइंट में भी परसेंटेज में भी बेसिकली, ठीक है, दोनों तरीके से लिख के आएंगे। क्या ये चीज़ क्लियर आपके पास में, ठीक है सर। IRR का ये काम खत्म हो गया, देख लीजिए नियरली आंसर सेम आता है, इसका 12% तो यहाँ पे भी नियरली आपके पास में 12.11%। क्या चीज़ें क्लियर है, एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास में जो है मैंने लिया आपके पास में, बिल्कुल ऐसा ही करना है, सिंपली देखना है खर्चा कितना होने वाला है, ठीक है, ईयर जीरो पे लिख दो, हो सकता है कई बार ईयर वन में भी खर्चा हो, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन लिया था आपके पास में, ऐसा भी हो सकता है कि सर ईयर वन में भी खर्चा हो रहा है, ईयर टू से इनकम स्टार्ट हो रही है, खर्चा जहाँ जाओगा आपके पास में करना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल से ये होते हैं क्वेश्चन। ये आपके पास में IRR और YTM था, ठीक है। अब मेरे साथ यहाँ पे आपके पास में FM समरी नोट्स में आ जाइए, कुछ चीज़ें लिखवा देते और फिर आपके पास में ये लेक्चर कंप्लीट कर देते, ठीक है, और फिर YTM पे मुझे काफ़ी सारे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो आपके पास में लेक्चर नंबर 3B में चलेंगे,
ठीक है। लेक्चर नंबर 3B में YTM पे क्वेश्चन आपके पास में प्रैक्टिस चलेंगे, कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिया इस लेक्चर में, और IRR का भी कॉन्सेप्ट यही है, तो यहाँ पे IRR का भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया। तो बेसिकली जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट IRR के क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, ठीक है। वहाँ पे आपके पास में कॉन्सेप्ट रिवीजन नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो चुका आपके पास में, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ नोट्स लिखवाने IRR पे, वो लिखवा दूंगा बेसिकली। तो बेसिकली इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है सर। ये चीज़ तो आपके पास में एकदम से क्लियर है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात करें सर, तो कहते हैं कि आपको ले हाँ अच्छा, मैं नोट्स लिखवा देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद कुछ डिस्कशन भी अच्छे से कर लेते हैं, बेसिकली रिवीजन करते हैं। मैं रिवीजन करवा रहा था, मैं भूल गया, नोट्स लिखवा देता हूँ सबसे पहले। सबसे पहले YTM का आपके पास में मेथड का 3 स्टेप लिख दिया, ठीक है। आपके पास में आपके 3 स्टेप लिख दिया, ओके क्लियर है। 3 स्टेप आपने सबसे पहले लिख लिया, ठीक है, ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। अब कहते हैं सर आपके पास में इम्पोर्टेंट नोट्स हेडिंग देंगे IRR के लिए, ठीक है। IRR के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स आपके पास में, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप क्या कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे। कहते हैं कि सर जी ध्यान रहे आपके पास में चीज़ें, ध्यान रहे। सबसे पहला पॉइंट कहता है सर IRR जब होगा, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे सर चैप्टर आपके पास में इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपके पास में डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का चैप्टर है, तो वहाँ पे IRR वर्ड यूज़ होगा। YTM कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब IRR की बात करेंगे सर तो रेट क्वेश्चन में गिवन रहेगा, एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ICM मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे रेट नहीं गिवन है, वो मैं IRR जब पढ़ाऊँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा तब बता दूँगा वहाँ पे क्या है सर। बाकी आपके पास में एग्ज़ाम में रेट गिवन, ठीक है, एग्ज़ाम आपके पास में रेट गिवन इस तरीके से शॉर्ट में लिख देना, वैसे तो याद ही आ जाएगा आपके पास में, ठीक है, रेट गिवन, ठीक है, तो या फिर 2 rate given इस तरीके से लिखिए तो बेहतर रहेगा सर। एग्ज़ाम में दोनों आपके 2 rate जो एज्यूम करने हैं उसके लिए आपको गिवन होगा, जिसके लिए मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करना है। वो कहाँ पे डिस्कस होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके पास में जब करवाएंगे तो 2 rate किस तरीके से गिवन होते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिंपली एक बार लिख के रख दीजिए कि IRR में रेट गिवन होते हैं। जहाँ पे मैं बात करूँ सर YTM मेथड की, ठीक है, YTM मेथड की, जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट होता है, जहाँ पे सिक्योरिटीज़ की बात होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कहते हैं सर रेट गिवन नहीं होगा, यहाँ पे रेट कैन बी एज्यूम ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोक्स मेथड, ठीक है, अप्रोक्स मेथड के हिसाब से, अप्रोक्स मेथड से रफ में कैलकुलेशन करिए, जो भी आंसर आए वो IRR का ही आंसर है, क्योंकि मैंने बता दिया कि सर अप्रोक्स मेथड और YTM मेथड, IRR मेथड जो भी कहे, दोनों का आंसर नियरली सेम ही होता है, तो वही आंसर आपके पास में आ गया। बस 2 rate आगे 2 rate पीछे के एज्यूम कर लेना, काम ही हो जाएगा आपके पास में, सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तब एकदम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपके पास में। YTM मेथड पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं आपके पास में, ICM मॉड्यूल में करवाऊंगा मैं, तो ये चीज़ भी क्लियर है सर। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास में क्लियर कि रेट आपके पास में एकदम से क्लियर है कि कहाँ पे गिवन होगा कहाँ पे नहीं। IRR में नहीं गिवन होता, लेकिन उस पे मैं कैलकुलेशन करूँ, IRR में बेसिकली गिवन होता है, YTM में नहीं गिवन होता, और IRR में कैसे गिवन होता है उस पे भी तरह तरह के क्वेश्चन करवा दूंगा, तो वो चीज़ भी क्लियर। और YTM में नहीं गिवन होता तो उस पे मैंने क्वेश्चन करवा दिया, और भी क्वेश्चन करवाऊँगा ICM मॉड्यूल के, तो वो चीज़ भी आपके पास में क्लियर। दूसरा आपके पास में एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ नोट के लिए, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कभी ज़रूरत पड़ जाए तो लिख दीजिए सर कि जैसे जैसे रेट आप जो है, यहाँ पे लिखिए रेट, फिर एरो करिए कि रेट आप जो है जितना राइट साइड एज्यूम करोगे, हायर, बेसिकली हायर रेट जितना एज्यूम करोगे, ठीक है, NPV आपके पास में नेगेटिव चलता है,
एनपीवी नेगेटिव, और जितना लोअर रेट एज्यूम करोगे, ठीक है, लोअर बेसिकली, तो कहता है एनपीवी पॉजिटिव बनता जाएगा। और ये प्रूव मैं कहाँ कर चुका, जो मैंने वो क्वेश्चन करवाया था 8% और 12% वाला एग्जांपल खुद से बनाया, तो 12% से जैसे पॉजिटिव आया मुझे पता चल गया सर यहाँ पे तो दिक्कत हो गई, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। और आगे किस तरफ गया मैं सर, इंक्रीज़ करा मैंने रेट को, बड़ा एज्यूम किया हायर रेट, जिससे मेरा एनपीवी नेगेटिव आ गया तुरंत। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपके पास में, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। बाकी यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा लगेगा नहीं क्वेश्चन में, तो बिकॉज हम तो यहाँ पे सीधे क्या कर देंगे, अप्रोक्स मेथड से आंसर निकाल लेंगे, दो आगे दो पीछे काम खत्म, एक से पॉजिटिव आना एक से नेगेटिव आना काम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये नॉलेज ज़रूरी है, याद रखना दोस्तों, ठीक है जी। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपके पास में, पॉइंट नंबर 3 आपके पास, सिंपल सा पॉइंट वही जो आपके पास में कहता है कि ईयर ज़ीरो का एनपीवी, ठीक है, आपके पास सॉरी पीवी फैक्टर है आपके पास में ईयर ज़ीरो, कहता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ईयर ज़ीरो, आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ईयर ज़ीरो इज ऑलवेज आपके पास में 1, ध्यान रखिएगा यह चीज़ भूलिएगा नहीं, ऑलवेज 1, क्योंकि पीवी फैक्टर ईयर ज़ीरो के लिए होते ही नहीं है, पीवी फैक्टर ऑलवेज स्टार्ट होते हैं ईयर 1 से, ईयर ज़ीरो के लिए वो ऑलवेज 1 ही रहते हैं, क्योंकि पीवी फैक्टर ईयर ज़ीरो के लिए क्या ही बताएंगे सर, ईयर ज़ीरो पे जो आपके पास में अमाउंट है ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे है, तो उसके लिए तो यहाँ पे कोई चीज़ बनती नहीं आपके पास में, तो ईयर ज़ीरो का पीवी फैक्टर ऑलवेज भी 1 आपके पास में, ठीक है, ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर। और मैं चीज़ यहाँ पे देख लूँ कि सर ऐसा कोई चीज़ जो मुझे लिखवाना हो और मैं भूल रहा हूँ आपके पास में, कहते हैं चलो ये चलो ठीक है आपके पास में। अच्छा ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई ना सर जी, कॉस्ट होती है उससे या तो ज़्यादा IRR होना चाहिए या फिर उसके इक्वल है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ तो आपके पास में क्लियर है। यहाँ पे चलिए लिखवा ही देता हूँ, ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए सर, वो IRR का है या फिर YTM मेथड से जो भी रेट, बेसिकली IRR ही निकलता है, तो IRR यहाँ पे लिख लीजिए सर, IRR या तो उसके इक्वल होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, किस चीज़ से सर, कॉस्ट से, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में, ठीक है, या तो कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल, या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स ऐसा दिख जाए तो वो ओके। नेट प्रेजेंट वैल्यू का तो कंसेप्ट जो है वो आपके पास में कहाँ पे है सर, ये आपके पास में इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर के अंदर है, तो ये सारी चीज़ें जो नोट्स मुझे लिखवाने हैं वहाँ पे लिखवाऊंगा। यहाँ पे तो सिंपली नेट प्रेजेंट वैल्यू का यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा था, तो मैंने थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझा दिया, तो ताकि मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपके पास में नहीं समझाऊंगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू अच्छे से समझा दी, वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और कुछ नोट्स आपके पास में लिखवा दूंगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ भी क्लियर है आपके पास में, ओके। फिर ये क्वेश्चन करवाया, नेट प्रेजेंट वैल्यू समझा दिया, ओके। इसके बाद IRR मेथड भी समझा दिया आपके पास में, ओके सर। इसके बाद हमने YTM मेथड भी समझा दिया, बेसिकली IRR और YTM में दोनों एक ही चीज़ करनी है, करना क्या था, कुछ भी नहीं, कहता है YTM में सिक्योरिटी की बात होगी तो थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखना है, रेट नहीं गिवन रहता, तो अप्रोक्स मेथड से रफ में कैलकुलेशन करेंगे, आंसर में कहीं पे भी मुझे दिखना चाहिए ये ध्यान रखना दोस्त, आंसर में YTM मेथड से पूछा है, अप्रोक्स मेथड से कहीं पे भी कैलकुलेशन वर्किंग में भी नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना, पहले ही वॉर्न कर देता हूँ, आपके सॉल्यूशन में मुझे अप्रोक्स मेथड से कहीं पे भी रेट दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। रफ़ में कहीं कैलकुलेशन करना, रफ़ का मतलब होता है एग्ज़ाम में आपके पास में लास्ट पेज पे रफ़ ऐसा हेडिंग दे देना या फिर वर्किंग, ठीक है, और वहाँ पे रफ़ वर्क करना, और जैसे ही पेपर ख़त्म हो जाता है वहाँ पे क्रॉस मार्क कर देना इस तरीके से, ठीक है, कि आपके पास में रफ़ काम ख़त्म, क्लियर है। लेकिन सॉल्यूशन में खबरदार किसी ने भी वर्किंग में भी कहाँ पे भी आपने जो है ये अप्रोक्स मेथड से कैलकुलेशन की है, तो YTM से पूछा है तो YTM ही मुझे सॉल्यूशन में दिखना चाहिए, ये कहीं पे भी मुझे दिखना नहीं चाहिए, पहले ही कह देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रिक है कि आप जो है कहीं वर्किंग कर लीजिए और रेट पर का आंसर जो है पता कर लीजिए आपके पास में कि कितना है, उससे दो रेट आगे दो रेट पीछे कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दीजिए, तो आंसर आपका यहाँ से है, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन आपने करी है रफ में होना चाहिए, सॉल्यूशन में खबरदार किसी ने भी कैलकुलेशन की है तो पहले ही कह देता हूँ, ऐसा मुझे फिर सॉल्यूशन दिखना ही नहीं चाहिए बेसिकली, इतनी बार बताने के बावजूद फिर सॉल्यूशन में ही लिखते रहते, ठीक है।
पास्ट में ऐसा हुआ है इसलिए बताना पड़ता है। पास्ट में हज़ार बार भी बोलते हैं कि सर आपके पास में वर्किंग नोट में भी नहीं दिखना चाहिए ये चीज़, फिर भी करके आते हैं। अब 10 बार रिपीट करने के बावजूद समझ नहीं आता, फिर क्या ही करेंगे। ठीक है, फिर एग्ज़ाम देके आने के बाद कहते हैं कि सर वर्किंग नोट में ये कैलकुलेशन करके आए। अरे भाई 10 बार रिपीट किया है लेक्चर में, 10 बार छोटी बार, ये छोटी अमाउंट थोड़ी ना, एक चीज़ को एक ही बार रिपीट किया जाता है। आपके पास में रेगुलर लेक्चर भी कहीं पे देख लो, एक ही बार होता है। यहाँ पे 10 बार वही चीज़ बताई जा रही है, फिर भी वर्किंग नोट में दिखा के आना है सामने से कि भाई अपने ये ट्रिक है और ये कैलकुलेशन करके आए। कितनी बार बताएंगे कि सर ये वर्किंग नोट में दिखाना ही नहीं, कहीं रफ में कैलकुलेशन करो, ठीक है लास्ट पेज पे कर दो, फिर क्रॉस मार्क कर देना, ठीक है वहाँ पे। सॉल्यूशन में मुझे वर्किंग नोट में भी ये चीज़ चाहिए ही नहीं अपने को, ठीक है। ये चीज़ सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं है बेसिकली, ये चीज़ सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये अपने ट्रिक है बेसिकली रेट को एज्यूम करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में YTM में रेट नहीं गिवन होंगे, तो ढूंढने का ये आपके पास में ट्रिक है बेसिकली, ठीक है। तो सॉल्यूशन में मैं पहले ही कह देता हूँ, किसी का भी सॉल्यूशन ऐसा दिखा बहुत गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है, तो आपके पास में ये चीज़ मेरे ख्याल से YTM एकदम से क्लियर होगा, IRR एकदम से क्लियर होगा। IRR YTM दोनों एक ही चीज़ है, एक डिफरेंस था सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट दो वर्ड का, तो वह चीज़ क्लियर है। NPV आपके पास में क्लियर है, NPV बहुत अच्छे से क्लियर है आपके पास में, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत हो सकती है। NPV बहुत अच्छे से आपके पास में क्लियर है, ठीक है जी। तो बस यही चीज़ है, बस NPV का मतलब थोड़ा सा याद रखिएगा जब हम पढ़ेंगे आपके पास में। कौन सा चैप्टर सर? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो वहाँ पे ये मतलब याद रखना सर। NPV का मतलब क्या है सर? जो भी अमाउंट है उसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके आइए। जो भी खर्चा है, अमाउंट में मतलब कि खर्चा सर, अमाउंट में मतलब कि सर खर्चा, जो भी आपके आउटफ्लो है और जो भी इनफ्लो है, दोनों को आपको प्रेजेंट वैल्यू में लेके आना है, और उनका डिफरेंस मतलब कि क्या है सर? NPV। उनका डिफरेंस मतलब कि क्या है सर? NPV। इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में लेके आए, आउटफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए। अगर आउटफ्लो जीरो ईयर पे है तो ऑलरेडी वो प्रेजेंट वैल्यू पे ही है, लेकिन ईयर वन पे भी कई बार आउटफ्लो हो सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन करवा दिया कि ईयर वन में भी हो सकता है आउटफ्लो हो, ठीक है। तो उसे प्रेजेंट वैल्यू में लेके आए, प्रेजेंट वैल्यू में हम लेके आए, देख लीजिए 46,295, 50,000 को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए। अच्छा 2 लाख ईयर जीरो पे था, वो तो 2 लाख ही रहेगा, सीधी सी बात है, ईयर जीरो पे तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे होता है, तो ऐसा भी करना पड़ सकता है। तो जो भी दिया है बस करना क्या है सर? पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, वो क्या ही बड़ी बात है, अपने को ये माइनस प्लस थोड़ी ना देखना है। वो तो क्वेश्चन में गिवन है सर, आउटफ्लो ईयर जीरो पे इतना है, ईयर वन पे इतना है, बस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, काम ही खत्म। लॉजिक पता है या फिर नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो ये चीज़ आपके पास में याद होनी चाहिए जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा रहा हो। अगर नहीं याद है तो वहाँ पे मैं बता दूंगा कि वापस से ये वीडियो देख के आओ, क्लियर है आपके पास में। अब मैं एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ आपके पास में लेक्चर नंबर 3B में। YTM पे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, तो उससे रिलेटेड कोई आपके पास में डाउट मत रखना कि सर अभी भी थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन करवा देते तो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती। मुझे नहीं लगता कि अभी आप कोई भी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि सर और ज़्यादा क्वेश्चन करवाते, तो मुझे लगता है कि सर ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया उससे एकदम से क्रिस्टल क्लैरिटी होगी आपके पास में कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके ऐसे मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन है YTM पे, आई थिंक 3-4 तो होंगे ही होंगे जहाँ पे YTM की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपके पास में, तो एकदम से क्लस्टर क्लैरिटी आपके पास में 100% क्लैरिटी हो जाएगी। तो आइए जल्दी से लेक्चर नंबर 3B स्टार्ट करते हैं हमारे पास में, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी इसी के साथ चैप्टर ख़त्म कर देंगे, क्लियर है आपके पास में। चलिए जल्दी से आपके पास।